छलकने लगा। देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। वेरी नाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एंड ऑफ कोर्स ये तमाम गाने शादी से पहले के होते हैं, शादी के बाद वाले कोई गाने नहीं बनते। एंड आई एम रियली रियली सॉरी इफ आई डोंट बिलीव इन लव, आई डू बिलीव इन लव, इट्स जस्ट ओवररेटेड। लेकिन गाना बहुत अच्छा था एंड आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम पिंकी इज एक्चुअली हियर। सो गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह हो गई। Very nice, very very nice. It's been ages since I've seen you. What was the last time? Am I you? कब कितने साल हो गए? Sama? Yes. No, we can say anything here. So you can actually, हाँ समा पे ना समा, that's what, didn't we meet at Shaista's house? Yes. उसके बाद? Twice, right? उसके, how is your husband? कैसे वो? ठीक ठाक? He's good. इंतहा से ज़्यादा, कैमरा तो नहीं था मेरे ऊपर। इंतहा से ज़्यादा cool लोग हैं ये लोग ना, seriously इंतहा से ज़्यादा cool लोग हैं। But you know, thank you for coming. बहुत बहुत शुक्रिया, very good morning. Much for inviting. And माशाल्लाह माशाल्लाह, your song is amazing. Thank you. Voice is. शुक्र है साहिर ने तारीफ की. Really. समा पे कभी नहीं किया। तुम अच्छा नहीं गाती थी ना पहले, अब आप बहुत अच्छा गाने लगी। थैंक यू। अच्छा सो लेडीज एंड जेंटलमैन, या जैसे मेरा तो वो चलता ही रहेगा, बट व्हेनेवर आई हियर दीज सॉन्ग्स यू नो, मेरे अंदर से ना एक चीज़ उठती है एंड आई रियली वांट टू बी वोकल अबाउट इट, बट देन यू नो मैं डिसाइड ये करता हूँ कि नहीं कहना चाहिए। हमारा पूरा मुल्क ही बिलीव प्यार पे करता है तो फिर उसको क्यों किया जाए। सो मच सो के व्हेन आई डू माय रेडियो इवन टुडे, तो अक्सर लोग जो मुझसे सवाल करते हैं वे कहते हैं साहब भाई मेरा ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है ना, आई जस्ट लुक एट देम से ओके या ओके होगा। एनीवे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑफ कोर्स आज आई हैव गॉट वंडरफुल सेट ऑफ फ्रेंड्स। आई हैव गॉट डॉक्टर रुबीना ताहिर साहिबा एक बार फिर। आई नो यू सेड दैट इट वाज टू सून टू सी मी, बट दैट्स ओके, इट्स ओके, वी एंजॉयड योर कंपनी, सो वी आस्क्ड यू टू कम अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आपसे भी रिलेटेड है और बाकी लोगों से भी रिलेटेड है। आज वो टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, के डिप्रेशन को से किस तरह से निकला जाता है। एंड आई एम श्योर यू नो वन वे द अदर, आई नो डॉक्टर साहब इज हेयर आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम। आज मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ एंड डॉक्टर रेहाना इज हेयर। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए मुझे आपको देखे हुए?
almost five years. No, ज़्यादा. TV one पे I think मैंने आपके साथ TV one पे आप आई थी और TV one का जो मेरा पहला tenure था वो तकरीबन 10 साल पहले था. Okay, so probably 10 years. 10 years, whoa, that's the longest time. MashaAllah. And of course, we've got Dr. Kashif here. Assalamu alaikum, kaise hain doctor saab? Theek thaak? Allah ka shukr. Aap hain kaisi? Aap theek hain? Main bilkul theek hoon, but I was out of country. Achha. I was in US for a while. Achha. So you stayed there? I was there for a longer period. Okay. So, but now I have come back. You're back in Pakistan? Yeah, now I'm back. So we can invite you, we can call you? Definitely. wonderful. We all know Dr. Rehana. We love her. And of course, it's always good to see you. Thank you. Good to remember Dr. Saab, because whenever I see you, I remember him. Exactly. So it's good to see you here. Thank you very much. Bahut bahut shukriya. Ladies and gentlemen, of course, there's a band here today, aur dono ke taaruf jo hain bilkul alag alag hain. So main wait kar raha tha ki main dono ka taaruf karwa dun. To let's go with you first, Imad. Imad ke taaruf mein ye kehna kaafi nahi hai ki inhone junoon ke sath kaam kiya. या ये इमो के साथ काम करते हैं या और बाकी जगह काम करते हैं. इमाद अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा जुनूनी है, बहुत ज़्यादा जुनूनी है. इतने जुनूनी है कि इन्होंने हर वो एक्सपेरिमेंट किया है जो नॉर्मली लोग करने से घबराते हैं. नॉर्मली लोग बिल्कुल नहीं करते. दे स्टार्टेड अ बैंड कॉल काया विच मीन्स द यूनिवर्स एंड बैक इन 2014 विद अवन डिसूजा एंड a very young talented girl jinke bare mein abhi hum baat karenge, but right now let's say hello to Imad Rehman. Assalamu alaikum. How are you, Imad? Kaise hain aap? Theek hain? Theek, bilkul. Thank you for coming, yaar. Bahut bahut shukriya aane ka. Thank you for being here on the show. I'm about to introduce her as well. Inke taaruf mein bahut sari baatein hain. Hamare yahan aise genres mein log aate nahi hain. Therapeutic music jo hai wo bada different hota hai. That to life coach banna bada mushkil hota hai. NLP की प्रैक्टिस करना हमारे मुल्क में तो कॉमन नहीं है. डॉक्टर साहब इस लैंग्वेज को समझते हैं दूसरे, और जाहिर है मैं चूंकि इसका ऑफिशियल प्रैक्टिशनर हूँ, मैं सर्टिफाइड हूँ, तो मैं समझता हूँ इस बात को. लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट कि लाइफ कोच होता क्या है, NLP दरअसल होता क्या है, और जब उसको म्यूज़िक के साथ जोड़ दिया जाता है तो उससे लोगों का इलाज किया जाता है, उनके डिप्रेशन को कॉन्कर किया जाता है, उनको इंस्पायर किया जाता है, एस्पायर किया जाता है, मोटिवेटेड किया जाता है. ये एक ऐसा जॉनरा है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. बहुत इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर ओन यूनिवर्स यू वोंट बी एबल टू डू दिस. सो द वेरी पर्सन हु इज सिटिंग राइट हियर इन द स्टूडियोज इज एक्चुअली दैट वेरी पर्सन इज वेरी कनेक्टेड टू हर ओन यूनिवर्स एंड शी एग्जैक्टली नोज व्हाट शी वांट्स. लेडीज आई मीन वी हैव गॉट अफशीन हयात. अस्सलाम वालेकुम जी. हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक, आप कैसे? थैंक यू फॉर कमिंग. मैंने जस्टिस किया ना आपके साथ. थैंक यू सो मच. उसका रीजन ये नहीं है, बिकॉज आई हैव not met a lot of people who are actually good at NLP. कम होता है हमारे मुल्क में. डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल होता है कि लोग दूसरों के डिप्रेशन को एड्रेस कर सकें, वो अपने डिप्रेशन से नहीं निकल पाते. फिर हमारे एक और चीज़ का कभी रिवाज नहीं रहा, ट्रेन द ट्रेनर का कोई रिवाज नहीं है. तो हम तो इसको सबको इस्टेब्लिश करना, फिर इसको म्यूज़िक के अंदर कन्वर्ट करना, फिर अपने सुरों के ज़रिए ये बताना कि हम कैसे हील कर सकते हैं. एक सेकेंड मुझे ब्रेक अभी लीजिएगा. सी, एक हीलिंग प्रोसेस होता है ना, लेट यू डू द टॉकिंग आफ्टरवर्ड्स. एक हीलिंग प्रोसेस होता है जो आउटर हीलिंग प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हमारा फसाद होता है, जिसके अंदर हमारी मुस्कुराहट होती है, जिसके अंदर इवन हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं, हमारा लाफ्टर होता है, ये सारा. एक होता है इनर हीलिंग प्रोसेस. मैं शोज पे बहुत बात करता हूँ, रेडियो पे बहुत बात करता हूँ, अंदर से बहुत खामोश हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट नथिंग टू से. आई एम अमेज्ड within me the changes that I've gone through. I have no questions, absolutely none whatsoever, none. I accept and I move, that's all. Ek break ke baad, aaj agar aapka koi bhi depression hai, aam zuban mein koi bhi depression hai, to aaj hum uske bare mein baat karenge. Mere paas do aise doctors hain jo daily basis pe kaam karte hain, ek aise doctor hain जो न जाने कौन कौन सी चीज़ों को एड्रेस करते हैं, दो ऐसे लोग हैं जो थेरेप्यूटिक हीलिंग करते हैं म्यूज़िक के ज़रिए, और एक बहुत खूबसूरत आवाज़ है जिनको मैंने बहुत अरसे के बाद देखा है. एंड इट्स रियली गुड टू सी यू. सो वी बी राइट बैक. गुड मॉर्निंग. Once again, welcome back.
So we start with you, Afshin. मुझे बताइए करती क्या हैं आप? मैंने तो बता दिया, अब आप मुझे बताएंगे आप क्या करती हैं? आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया है कि आई डोंट थिंक सो कि कुछ बाकी बचा है. लेकिन म्यूज़िक करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, मोहब्बत है मुझे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से. और उसी के थ्रू मुझे मैंने रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक में हीलिंग है, बहुत है. फिर प्रैक्टिस शुरू की और अब माशाल्लाह बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के साथ, किया है हमने, म्यूज़िक डिज़ाइन किए हैं, उन्हें ट्रीट किया है. हाँ. और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके. ओके. तो आई एम वेरी हैप्पी. किन चीज़ों का इलाज करते हैं आप म्यूज़िक से? देखिए, म्यूज़िक में जो है हीलिंग वो डिफरेंट चीज़ों के लिए की जा सकती है, जैसे कि फिज़िकल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल या मेंटल प्रॉब्लम. तो इन तीनों तरह की प्रॉब्लम्स के लिए स्पेसिफिक म्यूज़िक डिज़ाइन किया जाता है जो कि डेली बेसिस पे सुना जाता है. रियली? जी. ओके. सो यू काइंड ऑफ, अगर मैं आपके पास आऊँ और आप, मैं आपसे कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप मेरे स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करेंगे? एग्जैक्टली. वाओ. और इसके डिज़ाइन करने के दो डिफरेंट तरीके हैं. एक ये कि आपकी वॉइस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो डिज़ाइन किया जाएगा. हाँ. या फिर एक नॉर्मली अर्थ हीलिंग फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं. फिर हम देखते हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है. अच्छा, जब आप अपनी यूनिवर्स में बात करती हैं, अर्थ से बात करती हैं, तो वो क्या आवाज़ क्या आती है आपको? आप कौन हैं, क्या डेफिनेशन है अफशीन की? बहुत, मतलब इट्स लाइक कि आपको बहुत सुकून महसूस होता है और आपको लगता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ अर्थ एंड द यूनिवर्स. ओके. सो यू आर अ काम पर्सन, यू'ड से? यस, नाउ आई एम. यू आर? नो. या, सॉरी, I was just asking you. You said that you are a calm person now. Yeah, okay. Yeah, now because मुझे बहुत फर्क पड़ा है music के साथ काम करने से, practice, meditation. ऐसा हुआ है कि आपने दूसरों की healing करते करते अपनी भी healing की हो? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप depressed हो जाते हैं जब आप किसी को बहुत ज़्यादा depressed है या उसकी frequencies जो हैं वो energies negative हैं बहुत ज़्यादा, तो आप हो जाते हैं depressed, आपको ज़रूरत पड़ती है. अच्छा, एक बात बताइए, बहुत महंगे होते हैं आप लोग? नहीं भाई, सिंपल बात है यार. मैं तो वो सवाल करूंगा जो बिल्कुल, लेट्स से अगर कोई मेरी बहन माँ देख रही है, कोई अंकल आंटी मुझे देख रहे हैं और वो ये कहेंगे कि अच्छा मुझे तो बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, क्या वो भी हल हो सकता है? हो सकता है, डेफिनेटली, बिल्कुल हो सकता है. और क्योंकि हम लाइव कोचिंग में इसको भी प्रैक्टिस करते हैं म्यूजिक के साथ कोलैबोरेट करके, और मैं चाहूंगी कि आज इसके ऊपर हम बात करें. हम बात करेंगे. बट यू गाइस आर नॉट एक्सपेंसिव? नहीं, फॉर फ्री. हमने बहुत सारे ऐसे सेशंस किए हैं जो फॉर फ्री, जो आपने प्रो बोनो किए हैं, मतलब आपने कहा नहीं जी चार्ज नहीं करना. बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं रिजल्ट्स देखना. आप चाहते? अच्छा, आप जिस फील्ड में डील करती हैं डॉक्टर साहब, आपकी फील्ड जो है वो गायनी से ताल्लुक रखती है, और वहाँ आपने बेतहाशा डिप्रेशन देखा है. देखा बहुत ज़्यादा. कौन कौन से कॉमन फिनोमेनाज होते हैं जिसके बारे में जो हमारी वो बहनें जो देख रही हैं या वो अंकल आंटीज जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं जिनके औलाद नहीं है, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं डिप्रेशन के हवाले से जो आपको नज़र आती हैं जोड़ों में? देखो, जब अगर उनके पास बच्चा नहीं है तो एक एस्पेक्ट है ना लाइफ में, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. देखो, हमारे साथ प्रॉब्लम मसला क्या है ना कि हम जैसे कहते हैं ना, हमारे मज़हब में है कि जी मुस्कुरा देना भी सकता है ना, किसी से हंस के अच्छी तरह बात कर लेना भी सकता है. ठीक है, आप एक दुकान पर जाइए, आप वहाँ से कुछ सामान खरीद रहे हो, वो सामने शॉपकीपर या जो भी है वो मुस्कुरा के आपको चीज़ें दिखाए, मुस्कुरा के आपको दे, यू फील गुड. कोई वजह नहीं होती, बट आपको अच्छा लगता है. ठीक है ना, तो आप दूसरे का दिन अच्छा कर सकते हैं विद जस्ट वन स्माइल या एक अच्छा जुमला बोलकर. ठीक है ना, गुजरते हुए अपने कोलीग को कहते हैं तुम इतनी अच्छी लग रहे हो या तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं. और आजकल नहीं कह सकते डॉक्टर साहब, चलो एहतियात के साथ. आजकल बिल्कुल नहीं कह सकते, आजकल आप पे ठप्पे लगा दिए, टैग लगा दिए, अच्छा इसने तो मुझे ये कहा. ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ. एक तो मैं खुद यू नो चलती फिरती कॉन्ट्रोवर्सी ऊपर से उठा के मैं बोल रहा हूँ किसी को, बिल्कुल नहीं. जो जहाँ लग रहा है, जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे कोई सरोकार ही नहीं है इससे. चलिए सिर्फ काम की तारीफ करते हैं, काम बहुत अच्छा है. मैं वो भी नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता. आई थिंक हम जिन दिनों बड़ा हो रहा था उन दिनों ये सारे जेंडर डिफरेंसेस नहीं थे. आई थिंक वी टेंड टू रिस्पेक्ट मोर पीपल. आई मीन फैमिलीज थी, हम तारीफें करते थे, हम तारीफें एक्सेप्ट करते थे, और वी वर मोर ओपन अबाउट थिंग्स, वी वर मोर टॉलरेंट. आई थिंक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टॉलरेंस जो है वो बिल्कुल कम होती चली जा रही है. आप शिकवा जवाब शिकवा पढ़ लीजिए, उसमें कुछ अशआर ऐसे हैं जो आज आप अगर खुदा ना करे फेसबुक पे लिख दें फतवा आ जाएगा. इट्स नॉट जस्ट फतवा, चूंकि देखिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमें किसी भी चीज़ की, बिल्कुल. तो इसलिए हमने अपनी तरफ से चीज़ें निकाल ली हैं,
मतलब हर नज़र जो उठ रही है वो ख़राब नहीं है, खुदा का वास्ता। अगर हाल आपसे पूछा जा रहा है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर सेइंग दैट, अगर हाल आपसे पूछा जा रहा है तो जस्ट इट कुड बी सिंपली जस्ट हाउ आर यू, आप कैसी हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि जी आप अच्छी लग रही हैं, तो दैट जस्ट मीन्स कि आप अच्छी लग रही हैं, डजंट मीन एनीथिंग एल्स। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग इतने ज़्यादा अजीब हो चुके हैं, मुझे कहने दीजिएगा, आई एम रियली सॉरी, मर्दों को बहुत केयरफुल रहना इन दिनों, ख्वातीन को तो होता ही था, मर्दों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। यू कांट लूजली से एनीथिंग, पहले आप मजाक में बहुत कुछ कह देते थे और देखें कुछ गलत भी होता था ना, दैट वाज़न्ट राइट, तो उसको तो कंडेम आप करें, लेकिन भाई ज़्यादातर तो बिल्कुल नॉर्मल ही था, कुछ नहीं था। अभी आपने कहा ना कि आप किसी के किसी बिल्कुल नहीं, किसी को एडवाइस नहीं करूँगा, तारीफ करें जो अपने घर में खुश है, जो अपने घर में काम की भी नहीं कुछ भी नहीं, तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जियूंगा, दैट्स इट। तो साहिर फिर प्रोबेबली इसीलिए तो फिर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, हम सब अलूफ होते जा रहे हैं, है ना, हम एक दूसरे की जिंदगी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, भाई आप डरते रहेंगे। अब ये देखिए, बचपन में मैं रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में रहता था, ठीक है जी, हमारे पैसे वैसे कुछ नहीं होते थे कोई इमाद, मैं सच बता रहा हूँ यार, हम लोग एक रुपए का लेके ना बाहर जाके ना कादिर की दुकान से पान खाते थे, दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू। हम वहाँ कैरम बोर्ड खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, गंदे हो जाते थे, पाँव में जूते नहीं होते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, रेलवे स्कूल के ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेला करते थे, इतने इतने पानी के अंदर टेप की बॉल चढ़ा के ढजा ढज क्रिकेट, दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू। किसी के घर में भी घुस जाते थे, किसी के घर में भी घुस जाते थे, जो उसके घर में पका होता था उसकी माँ ला के रख दे। मेरा बेहतरीन दोस्त था सोहेल भट्टी, समद कुर्री, मैं, सोहेल भट्टी, अमजद घोड़ा, हम सारे के सारे एक ही जगह जमा होते थे, सोहेल के घर पर जाते थे हम, उसकी अम्मा एक दाल बनाती थी और दाल के साथ चार अंडों का खाकीना टाइप होता था वो हमें देती थी, हम अपनी स्टडीज़ करते थे, उसकी बहनें हमारी बहनें थी, वी नेवर न्यू एनीथिंग एल्स, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू अस, आई हैव नो आइडिया, मुझे वाकई नहीं पता चला कि हम कहाँ गए, किस जगह गए, कि कहाँ पहुँच गए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में हम रहते थे और हम जिस रोड पे रहते थे उसका नाम लोको शेड रोड था, वहाँ लोको शेड था जहाँ इंजन शंट किया करते थे, तो वहाँ पे हमारे मेरे बिल्कुल सामने हमारे जो घर में काम करते थे उनका घर था और वो हिंदू थे वो लोग, तो उनमें जो उनके सबसे बड़े थे उनका नाम नरसी दादा था, वो एक बैंक में पीएन थे। मैं आपको उनकी रिस्पेक्ट का आलम बता रहा हूँ, वो अपनी साइकिल लेके शाम को 5:30-6 बजे के करीब जहाँ पर हम नेट प्रैक्टिस किया करते थे क्रिकेट की, वहाँ से गुजरा करते थे। वो जब पास करते थे हम अपनी प्रैक्टिस रोक देते थे, उनको बहुत बूढ़े थे वो, 3-4 मिनट उनको लगते थे और वो फिर गुजरते थे, उसके बाद हम अपनी क्रिकेट दोबारा रिज्यूम करते थे। आई एम नॉट सेइंग कि जो आज है वो गलत है, बट थिंग्स हैव चेंज्ड, चीज़ें बदल गई हैं। अब मलिर कैंट में ये सब नहीं कर सकते। मलिर कैंट में क्या? मलिर कैंट में ये नहीं कर सकते अब ये क्या? सब क्या नहीं कर सकते जो आप बता रहे हैं ना, जो रेलवे कैंट में आपने कर लिया तो वो अब जहाँ आप हैं मलिर कैंट में, वहाँ ये सब नहीं हो सकता। आपको कैसे पता मैं वहाँ? इसलिए मैं भी वही हूँ। मेरे साथ तो मसला ये है ना, मैं जाता बाद में शोहरत पे, जहाँ भी गए दास्तां जो नहीं, मलिर में तो कोई दास्तां अभी तक नहीं नहीं अच्छी शोहरत सुनी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इसीलिए भी आपने छोड़ा भी नहीं है तो दास्तां। थैंक यू, जो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट या बट ये बढ़िया मैंने कहा ना, कैंट दोनों में कॉमन है, बट इट्स सच अ ह्यूज डिफरेंस। कैंट डजंट लीव मी एंड आई डोंट लीव कैंट, वो समहाउ वो स्टे टुगेदर, समहाउ साथ ही रहते हैं। एनीवे जब वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे, माँ से बात करेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स वी वांट टू सी समथिंग फ्रॉम यू गाइस। काया बैंक से हम कुछ सुनना चाहते हैं, करेंगे ना आप लोग? बिल्कुल। ओके, देयर यू गो, छोटा सा ब्रेक के बाद। Once again, welcome back. And of course, Imad ne meri jagah le li hai, which is fine, absolutely fine. कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी जगह आरजी होती हैं, किसी की भी कोई हो, सब जगह आरजी हैं। अच्छा एनीवे, बट आप मुझे बताइए, आपने भी तो इतने लोगों का इलाज किया, कभी कुछ डिप्रेशन के लोग आए आपके पास? बिल्कुल, डेफिनेटली। एक्चुअली हमारी जो फील्ड है, मतलब पेशेंट से हम लोग डील करते हैं,
तो जो हम लोग मतलब डोंट डील पेशेंट लाइक अ रोबोट, कि जैसे अगर मेरा केस है ऑर्थोपेडिक की मेरी फील्ड है तो मैं सिर्फ उसकी हड्डी पे ही कंसंट्रेट करूँ, क्योंकि इट्स अ होल पैकेज, ह्यूमन बीइंग है वो. तो अगर उसकी किसी वजह से हड्डी टूटी है एंड दे हैव कम टू मी, के बाद भी वो ह्यूमन बीइंग ही होता है या शादी से पहले होता है? नहीं, थोड़ी चेंजेस होती है, मतलब इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. और वी ऑल हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट, किस किस्म की चेंजेस. लेकिन वो जो होता है ना कि आप उसको साइकोलॉजिकली आपको बहुत डील करना पड़ता है. और मैं आपको बताऊं, एज ए डॉक्टर पेशेंट आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, इवन आपकी लुक्स, आपकी ड्रेसिंग तक जो होता है ना, वो पेशेंट बहुत मुतासर होते हैं इन सारी चीज़ों से. और आप अगर उनसे अच्छी तरह बात करेंगे अच्छी तरह, तो वो उनका बहुत सा टेंशन जो होता है ना वो कम हो जाता है. जैसे कोई किसी की मेजर सर्जरी करनी है, किसी की मेजर सर्जरी करनी है या किसी का पेन रिलीफ करना है, तो वो जो पुराने ज़माने में कहते थे ना कि आधी बीमारी जो है वो तो डॉक्टर से बात करके ख़त्म हो जानी चाहिए. हाँ. तो यही जो डिप्रेशन होता है, और ख़ासतौर पे इनको तो पता होगा डॉक्टर ओबीना को. अच्छा, ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपको सच बताऊँ, ये हुआ है. मेरा अपेंडिसाइटिस जो था वो फट गया था डॉक्टर साहब, वो अब मुझे पता भी नहीं चला ना, वो ब्लीड करता रहा अंदर अंदर अंदर, वो ब्लीड करता रहा. मेरा थ्रेशोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा है तो मुझे मालूम नहीं चला. अच्छा, वो फट फटा गया, ख़राब हो गया बिल्कुल. जब मैं बिल्कुल करीब आ गया ना उसके, तो दे टुक मी टू लाहौर में मैं रहता था उस ज़माने में, तो हॉस्पिटल चले गए. तो वहाँ माई वाइफ वाज स्टैंडिंग देयर एंड देन डॉक्टर्स आई. एक का नाम था डॉक्टर फलक, एक आई स्वेयर आई एम नॉट, आई किड यू नॉट, और एक का नाम था डॉक्टर जन्नत. I'm not kidding. So these two doctors walk in and one of them, she goes, आपको दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने कहा आप जहाँ हाथ लगा रही हैं वहाँ नहीं हो रहा, बाकी तमाम काम. She looks at me, she goes, मैं वाइफ को क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा यार मैं सच कह रहा हूँ, देख के ठीक हो रहा हूँ उनको मैं. I have no idea why, but मैं ठीक हो रहा हूँ. दुनिया में जन्नत देख दुनिया नहीं. अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने मुझे अपना नाम बताया ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा. मैंने कहा यार ये कोई अच्छा साइन नहीं है, मतलब एक का नाम फलक है, दूसरी का नाम जन्नत है, तो यू नो तीन दिन बाद खुद ही निकाल ली थी, जबरदस्त. तो कोई मसला नहीं है, वो उधर मैं काम कर लेता हूँ. नहीं, बट द थिंग इज इट इज वेरी ट्रू. आई थिंक अगर मालिज अच्छा है तो मर ज्यादा वैसे ही रह जाता है. ये तो आपके प्रोफेशन में, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं. एग्जैक्टली. तो उन वो किन डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं? अच्छा देखिए, ये जो मैडम भी बात कर रही हैं, मैडम के पास सारे ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, वो एक्यूटली कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसके नतीजे में, फिर उसके बाद फैमिली के जो लोग होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं. एक होती है डिप्रेसिव की अर्ली सिम्टम्स, वो किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ है कुछ दिनों तक वो एक सिम्टम्स हो सकती हैं. लेकिन एक है कि वो डिप्रेसिव सिम्टम परसिस्ट करें फॉर एक लंबे टाइम के लिए, कुछ वीक्स तक एक्सटेंड हो गई हैं, अब वो एक फॉर्मली डिप्रेशन की फॉर्म में चला गया. अब अगर एक जहाँ तक तो पेशेंट एक माइल्ड या मॉडरेट लेवल के डिप्रेशन में है, तो वहाँ तो उसको कोई साइकोथेरेपी के साथ, कॉग्निटिव थेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है. लेकिन जहाँ वो मजीद कॉम्प्लिकेट हो गया है, सीवियर डिप्रेशन में चला गया है, वहाँ उसको जो भी एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन, उन मेडिसिन पर ले जाना पड़ता है. देन साइकोथेरेपी प्लस प्रोजैक एंड व्हाट नॉट. मतलब ये नहीं कि आप सारा वक्त उन पड़े सोते रहेंगे. उन दवाओं का मकसद ये होता है कि वो आपको नॉर्मल फंक्शन करने के काबिल बनाए. वो इसलिए नहीं होता क्योंकि लोगों में एक बड़ा ये होता है कि नीचे उन दवाओं की आदत हो जाती है और फिर वो हर वक्त पड़े सोते रहते हैं. एंड ऑल्सो इट्स नॉट दैट, वो बेसिकली आपका एनर्जी लेवल बेहतर करती हैं वो दवाएं जो है. स्ट्रांगली एग्री, क्योंकि लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है साइकेट्रिक की दवाइयों से रिलेटेड कि आप एडिक्ट हो जाते हैं. अवल तो मेरे ख्याल में लोग जाते ही नहीं है साइकेट्रिस्ट के पास. हमारे मुल्क में एक्सेप्ट नहीं करते साइकेट्रिस्ट को. सही मानों में लोग कहते हैं कि ये पागल समझा जाता है, कि एक स्टिग्मा है कि अगर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या इस किस्म की जो बीमारियाँ हैं, तो लोग उसका एक स्टिग्मा लगा देते हैं कि यार ये तो पागल है. मतलब इसको एक प्रॉपर डिजीज रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है हमारे कंट्री में. आप किसी को बताते हुए शर्मिंदा होते हैं कि अगर आप फील बैड अबाउट इट. हम लोग एक बार पिंकी को दिखाने लेके गए थे, तो ना पिंकी को जैसे डॉक्टर ने देखा ना, डॉक्टर को बहुत अजीब लगने लगा. डॉक्टर कहने लगा यार ये डॉक्टर डिप्रेशन में तो नहीं चला गया. अच्छा मैडम, ये जो आप बात कर रही हैं लोग नहीं जाते हैं, पार्शली शायद ट्रू है आजकल.
मतलब शायद लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में अनएजुकेटेड लोगों में स्टिग्मा शायद अभी भी हो, लेकिन अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाकर देखें आपको 15-15, 20-20 दिन एक महीने का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. पीपल आर गोइंग देयर. ऐसा नहीं है कि हर क्लास में है ऐसा. अच्छा आप लोगों के साथ क्या होता है, डू पीपल कॉल यू फॉर देयर थेरेपी? जो लोग हमारे पास आते हैं सबसे पहले तो जो सॉन्ग्स वगैरह बनवाने के लिए आते हैं तो वहीं से डिप्रेशन थोड़ा स्टार्ट हो जाता है मुझे खुद को. आपको देखें मैं बताता हूँ, बेसिकली डिप्रेशन जो है वो खुशी की गैर मौजूदगी में शुरू होता है और अपने अंदर ही स्टार्ट हो रहा होता है पहले. अच्छा म्यूज़िक क्या करती है, क्योंकि मैं मुसलसल म्यूज़िक करता हूँ तो मैं उस फेज़ में जाता हूँ, अगर कभी ऐसा होता है तो म्यूज़िक से मुझे हीलिंग मिल जाती है, वो सारी चीज़ों से डिसकनेक्ट होके और म्यूज़िक जो है वो मुझे काम कर देती है. अगर मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ साउंड, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आप गुस्से में आ सकते हैं, कभी आप डिप्रेशन में जा भी सकते हैं म्यूज़िक सुन के, कभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, आप डांस भी करने लग जाते हैं. तो ये सारी साउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपके कान में जा रही हैं तो आपको ड्राइव कर रही हैं बेसिकली. तो हम क्या करते हैं एज ए कंपोज़र, मैं और अफशीन, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम उसको म्यूज़िक में कन्वर्ट करते हैं. ओके. उस फीलिंग्स को, उस सिचुएशन को हम एक गाना की फॉर्म में ले आते हैं. ओके. तो वो एक तरह से एक सेटिस्फैक्शन भी होती है, एक हैप्पीनेस भी उसमें आती है कि हाँ हमने कोई चीज़ क्रिएट कर ली उस चीज़ से. बाकी ये है कि मेरा एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, मुझे बताइए. मैंने नहीं होता. ओके. सो इट्स बीन 20 सम ऑड इयर्स, इवन मोर. I don't sleep. I sleep for 2 hours a day. Sometimes even, not even that. Genuine problem है. मतलब मैं और मैंने आज तक मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं दवाएँ खाई चार दवाएँ तो मुझे याद है कि मैंने एक साथ खाई and nothing happens. तो क्या आप उसकी हीलिंग करते हैं? बिल्कुल हो सकती है. ये तो बहुत ही इजी है. अच्छा, तो 3 मिनट में सुलझा सकते हैं हम. 3 मिनट में? Exactly. अभी ट्राई करेंगे. अभी ऑब्वियसली हमारे पास वो म्यूजिक हम देखेंगे. अभी वो आपका यूएसबी नहीं चल रही हमारी वहां. आप वाकई में 10 मिनट का म्यूजिक होगा. लेकिन होता क्या है, ये अफशीन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी. अच्छा एक बात बताइए. ओके. सो तो शायद मैं जाऊँ, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर मेरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और फिर नींद नहीं आती. तो वो ये डीप स्लीप होगी? डीप स्लीप होगी बिल्कुल. ओके. बिल्कुल. असल में होता ये है कि आप सो इसलिए नहीं रहे कि आपका ब्रेन जो है वो अलार्म कर रहा है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज समथिंग, आपको नहीं सोना है. वो जागने के लिए आपको प्रेशराइज कर रहा है. तो बेसिकली ब्रेन को ट्रेन करना है कि रॉन्ग सिग्नल्स ना दे. म्यूजिक के जरिए हो जाता है. बिल्कुल. ऑलराइट, आई एम गोना ट्राई दैट. या यू मस्ट ट्राई दैट. अफशीन, जो आप बाइनोरल बीट्स होती हैं, बेसिकली दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं डिफरेंट जो आपके कान में अलग अलग की बात होगी कि अगर ना आप लोग ये ट्राई करें, उन लोगों को जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उन लोगों के लिए हम एक काम करेंगे. हम पहले मैं ट्राई करूंगा, अगर इट वर्क्स ऑन मी तो देन फिर उसके बाद मैं आप लोगों से कहूंगा आप लोग भी स्लीप मेडिसिन इन लोगों से लें. सीरियसली, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज हीलिंग तो है ना, म्यूजिक के अंदर हीलिंग तो है. बिल्कुल. एमी ज़हर, अस्सलाम वालेकुम एमी, हाउ आर यू? कैसी हैं? ठीक ठाक. आपको नींद आ जाती है? हाँ आ जाती है, बट आई एम एग्री विद हर. लाइक समटाइम ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं होता, और कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जहन पे बहुत बुरी तरह जहन को प्रेशर दे रही होती हैं. और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे एज के ऐसे लोग देखे हैं, स्पेशली जो हमारे घर के बड़े होते हैं, उनकी नींद प्रॉपर नहीं होती, या तो वो नमाज के टाइम पे जब वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं. ब्रेक लेना है. श्योर श्योर. ब्रेक के बाद एक एक्सरसाइज करूंगा मैं हम सबके साथ, मैं भी इसमें शामिल हूँ, एवरीवन एल्स इज गोइंग टू बी. हम कोई एक बात बताएंगे जो हमें अपसेट कर रही है, तमाम के तमाम लोग, कोई एक बात हर शख्स के जहन में होती है, और कोई ये नहीं कहा जा सकता कि आपके जहन में नहीं है, या आपके जहन में नहीं है, या इनके जहन में नहीं है. कोई एक ऐसी बात जो आपको चुभ रही है, यू आर गोना टॉक अबाउट दैट, वी आर गोना टॉक अबाउट इट. आज लेट्स से मैं इनमें सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बट आई वॉन्ट ट्राई दिस. Let's see what happens. एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद. All right, जी. So
so we're going to try this. कोई एक बात जो आपको bother कर रही है, I'm sure कि आपको बहुत सारी बातें bother कर रही होंगी. For instance, महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा, ये भी एक बात है. Depression इससे भी हो सकता है. मेरे husband मेरी कोई बात नहीं सुनते, इससे भी. मेरी बीवी मेरी कोई बात नहीं सुनती. मेरे बच्चे मेरे कहने के अंदर नहीं है. या वो नई नई मोहब्बत जो आपको होने वाली है वो आपके बस में नहीं है, वो कहीं से मान के नहीं दे रही है. ऑन ऑल द पता नहीं क्या क्या होता. तो कोई एक बात हम सब की जो हमें बॉदर कर रही है, विल स्टार्ट विद डॉक्टर साहब आपसे. विल स्टार्ट विद काशिप. मुझे पता था. और इनको ब्रेक से डिप्रेशन था, मुझसे शुरू करेंगे ये. मुझे पता है. तब मैंने बचपन में एक इंसिडेंट देखा कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जब उनकी डेथ हुई तो मेरे एक अंकल, मेरे चचा, वो कंट्री में नहीं थे. सो जब उनकी डेथ हुई तो वो एक दूसरे कंट्री में थे, तो समहाउ वो वापस पाकिस्तान नहीं आ सके मेरे दादा को देखने के लिए. उसमें फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब रही. वो जो साहब नहीं आ सके वो भी नेचुरली बहुत डिस्टर्ब रहे, और फैमिली जो बाकी थी वो भी इसलिए अपसेट रही कि भाई एक भाई देख नहीं सके अपने वाले साहब. एंड सिंस दैट टाइम, ये आज से कोई समझ लें 16-17 साल पुरानी बात है, उस वक्त से आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली. तो मुझे हमेशा ये कंसर्न रहता है, जब भी मैं कुछ दिनों के लिए आगे पीछे होता हूँ, मेरे जहन में ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेस रहता है यार वो मेरी अम्मी अबू ठीक हों पीछे. मैं मेरा ध्यान वहीं लगा रहता है कि वो ठीक हैं, उनकी तबीयत ठीक है, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि मैं हालांकि नेचर है, हम सब दुनिया में आए हैं, सभी को जाना है, बट ये चाहते ना चाहते हुए स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग पर रहता है. एंड आई कुडंट हैंडल इट फॉर लास्ट 15-16 ईयर्स अप टिल नाउ. आई स्पेंट गुड 4-5 ईयर्स इन द यूके व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन. आई यूज्ड टू कॉल देम रेगुलरली, टॉक फॉर आवर्स. स्टिल वो एक फियर रहता, वो है, वो रहता होता होता, वो फियर होता. एमी, डॉक्टर साहब की बात से एग्री करूंगी. मैं गल्फ में सेटल थी, हमारी फैमिली को ना भेड़ चाल छोड़नी पड़ेगी. नहीं नहीं, एक भेड़ जहाँ चलना शुरू कर देती है ना, हम सारा. मैं नहीं नहीं, आप नहीं है. मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं भी नहीं हूँ, डिपेंड. मैं गल्फ में थी विद माय फैमिली, और मैं सिर्फ यहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ वहाँ सेटल था. फादर की डेथ हुई और बस मुझे सिर्फ ये हुआ कि मैं मदर को मिस ना करूँ, और मैं पूरी फैमिली के साथ फिर यहाँ शिफ्ट हुई हूँ. तो ये कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो आप बहुत ज़्यादा जिन पे फोकस रहते हैं, आपके बच्चे हो गए, आपके माँ. तो आपको भी लोगों से बिछड़ने का या अलग होने का डिप्रेशन होता है? लोगों से फैमिली से? हाँ, जिनके लिए आपने बस जिनके साथ आप ग्रोथ हुए हैं. माँ बाप ही एक ऐसी चीज़ होते हैं, बहन भाई तो फिर भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन फादर के बाद मदर तो बहुत ज्यादा. यस मैम, क्या हो गया? क्या हो गया पिंकी? क्यों उनसे क्यों? मैं तो कुछ भी पूछूंगी, मजाक. नहीं मजाक नहीं, वो सीरियस. क्या क्या डिप्रेशन तुमको? तुम क्या किस बारे में सोचती हो? फियर ऑफ लूजिंग समवन मुझे है. मैं डरती बहुत हूँ कि ये छोड़ देगा, ये खो जाएगा, ये हो जाएगा. और जैसे साहिर ने कहा कि वो सोते नहीं है, मुझे नींद नहीं आती. मैं सोती हूँ तो मैं एक घंटे में उठ जाती हूँ. मुझसे सोया नहीं जाता, मुझे डर से सोया नहीं जाता. क्या डर किस चीज़ से? ये पता नहीं, बस है डर है बस. हाँ. सोने से डर लगता है बहुत. वाह, क्योंकि म्यूजिक में हूँ तो खुशी और डिप्रेशन सारे यहीं से आ रहे होते हैं, ज़्यादातर टाइम इधर ही गुजरता है. तो आजकल जो चीज़ मुझे बॉदर कर रही है वो ये है कि लोग जो हमारे म्यूजिशियंस हैं जितने भी जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो मुतमईन नहीं होते अगर उनको कोई चांस नहीं मिलता. तो वो ब्लेम दूसरे पे रखते हैं. जैसे मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमारे मुल्क में 2-3 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जो म्यूज़िक को सपोर्ट कर रहे हैं. और म्यूज़िक हो रही है, एक तरफ बैटल चल रही है बैंड्स की, एक तरफ जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एथनिक और फ्यूजन काइंड ऑफ म्यूज़िक हो रहा है. तो लोग जो है कमेंट्स लिख रहे होते हैं, और हमेशा लॉन्चिंग से लेके आगे तक जब तक कुछ आता नहीं, मतलब वो जज करते हैं एक किताब को उसके कवर से. ठीक है, और आजकल आपको पता है कवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, कवर सॉन्ग ज़्यादा चल रहे हैं, तो लोग फिर जज करने लग जाते हैं. और फिर वो देखते हैं कि भाई ये तो एक लॉबी है जो एक काम कर रही है. हालांकि मैं जो हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट किया है, मैंने भी डिफरेंट शोज़ में, लेकिन होता क्या है कि बजाय मेहनत करने के, बजाय के ख़ुद को सामने लाने के, वो एक प्लेटफॉर्म को ब्लेम करते हैं कि यहाँ पे जो है ज़्यादती हो रही है हमारे साथ. ओके okay. तो ये चीज़ मुझे बॉदर करती है. आपको बॉदर, ये आपका डिप्रेशन है? नहीं, डिप्रेशन नहीं है. ओके okay. डिप्रेशन नहीं है, इट्स काइंड ऑफ थिंग विच इज़ बॉदरिंग मी. कि ऐसा नहीं होना okay. चाहिए, क्योंकि आपको जहाँ पर आप इस तरह की एक्टिविटी देखें वहाँ पॉजिटिव मैसेज दे दें, पॉजिटिव
मोटिवेट कर दें लोगों को, वरना मैं भी अगर इसको सोचने लगाऊंगा तो फिर यकीनन मैं भी चला जाऊंगा डिप्रेशन में, बिकॉज इट्स अबाउट म्यूजिक। मोस्टली जो मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि मैं अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाती, कोप नहीं कर पाती। लाइक मुझे बहुत दफ़ा मैं कंफ्यूज हो रही होती हूँ कि मुझे जो टाइम मैं यहाँ दे रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, मे बी मुझे ये छोड़ करके नहीं, इस वक्त आई शुड बी एट द बीच इन्जॉइंग समथिंग एल्स रादर देन कि मैं यहाँ पर बैठ करके मैं सर्जरी कर रही हूँ एक, है ना। लेकिन उसको भी मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो पेशेंट भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और मेरा जो फैमिली है वो, आप लोगों को सर्जरी करते वक्त ये सोच रही होती है कि आपको सुने, देखें आप पूरी लाइफ लेक्स है ना कि मैं एक सुबह से लेकर रात तक, थैंक गॉड सुबह से लेकर रात तक आपने काम किया ना, फिर रात में आप सोचेंगे ना यार सारे दिन क्या किया। ओके यू हैव डन समथिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव, है ना। लेकिन यू सो थिंक यार इसके बजाय वुडंट यू बी, ऐसा नहीं होता कि आप जाकर के अपनी फैमिली के साथ ये टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत दफा आप पार्टीज छोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास, तो आपको जो इंबैलेंस है वो बुरा लगता है। हाँ मुझे ये इंबैलेंस मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा होना चाहिए बट उसका कोई तरीका समझ में नहीं आता कि आप उसको कैसे, आप मतलब लोग आप पे डिपेंड करते हैं कि यू विल हील, दैट्स व्हाई आपको छोड़नी पड़ती है। लेकिन लेकिन मुझे अपनी, लेकिन मुझे मेरी लाइफ भी चाहिए, ये चॉइस भी आपकी थी ना, तो चॉइस तो है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना कि उसमें जो बैलेंस है ना, मैनी टाइम खासतौर से डॉक्टर्स के लिए होता है कि हम वो बैलेंस मिस कर देते हैं। हम लाइक देखिए हम खुदा नहीं है, हम सारी दुनिया के सारे गम मैं नहीं ट्रीट कर सकती, या डॉक्टर साहब नहीं ट्रीट कर सकते, या डॉक्टर साहब नहीं ट्रीट कर सकते ना। हम एक लिमिटेड अमाउंट है, कुछ लोग हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं ना, तो उसमें भी कभी कभी ना चीज़ें बड़ी ऑफ बैलेंस हो जाती हैं। मतलब कितनी दफ़ा मुझे याद है कि काम कर रहे होते हैं, हमें खाने का टाइम नहीं मिलता, हम पूरा पूरा दिन खाना नहीं खा रहे, रात में ड्यूटीज़ होती थी, पेशेंट इमरजेंसी में आ रहे, इधर से उधर भागते फिर रहे, खाना खाने का टाइम नहीं मिला, नहीं खाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब एपिगैस्ट्रिक पेन शुरू हो गया, अल्सर शुरू हो गया, तो फिर समझ में आया कि वो गलत कर रहे हैं, अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, यू आर कमेंडेबल ऑनेस्टली, आप उन चंद लोगों में से हैं जो हमारे मुल्क में खाते नहीं ओके हमारे मुल्क में 99% लोग खाने पे लगे हुए। डॉक्टर साहब अगर वेकेशन पे जाएंगी भी ना, फिर वो उनको ये बॉदर करेगा कि वो पेशेंट ऐसा है। हाँ तो मेरे, मैं यहाँ पे फोन पे मैं फोन नहीं किसी को नहीं कर रही होती, मैं फोन पे इन टच रहती हूँ क्योंकि मुझे मेरी एब्सेंस में भी मुझे ये फिक्र होती है कि कहीं मेरा पेशेंट मिसट्रीट नहीं हो जाए, कुछ उसके साथ गलत नहीं हो। तो यहाँ पर मेरे पीछे जो डॉक्टर्स उसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, तो मैनी टाइम मैं फोन पर भी उनसे इन टच रहती हूँ कि अच्छा अब इसका क्या हो गया, अब वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। इवन तो जब जाती हूँ छुट्टी पर किसी दूसरे बहुत सीनियर को रिस्पॉन्सिबल करके जाती हूँ, ठीक है ना, बट स्टिल बीच में मुझे फिक्र रहती है उसका तो कुछ नहीं हो गया, ये ना हो कि उसके बच्चे को कुछ हो जाए, यू नो दैट, एक वो रहती है। तो मुझे मुझे ये वाला बैलेंस जो है ना, मुझे ये मेंटेन नहीं समझ में आता कि मैं कैसे करूँ, एंड वो एट टाइम्स इट बग्स मी। सच बोलना नहीं नहीं आइए मिलके झूठ बोलते नहीं, देखिए अगर सच बोलना है तो मैं आपको बताऊँ सच्ची जो चीज़, मतलब ये आज की बात नहीं है, थ्रू आउट द लाइफ एक जुमले में मैं आपको शायद एक्सप्लेन कर सकूँ, वैसे तो दरिया को कूजे में बंद करने के बराबर होगा, कि मोहब्बत भरे लहजों में जो आपने सुने हो अचानक अजनबियत की झलक, पता नहीं आप मेरी बात समझे या मतलब दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी, मगर मेरा ख्याल हर एक के लिए होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़, या इसको आप डिप्रेशन कह लें या ओवरकम किस तरह किया जाए, आपको अपने आप से लड़ना होता है, आप जिस शख्स से, एक शख्स की बात मैं नहीं करी, कोई भी हो सकता है, आपकी बहन, भाई, महबूब, शौहर, बेटा, जो भी, मतलब आप इसको किसी भी पैराए में ले लें, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन बींग सबसे तकलीफ़दह ज़िंदगी का जो जो फेज़ होता है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप जाहिल हैं, चाहे आप अंगूठा छाप हैं, चाहे आप बहुत बड़े डॉक्टर, सर्जन, मैं कहती हूँ किसी बेस्ट पोस्ट पे भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जैसे अभी इन्होंने कहा था कि लूज़ करने का, मतलब एग्जैक्टली मैं उसको लूज़ नहीं कहूँगी, लेकिन वो एक शेर है ना कि मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, न जाने कौन कहाँ रास्ता बदल जाए, तो ये जो फेज़ होता है ना कि अचानक वो लोग बदल जाते हैं, या उनकी टोन बदल जाती है, या उनका स्टाइल बदल जाता है, मुझे उस चीज़ से बड़ा खौफ आता है, मुझे उस चीज़ से बड़ा डर लगता है। ना वो एक शेर है कि रस्में उल्फत हैं मिलते हैं बिछड़ने के लिए, ऐसे मत चाहो कि जुदाई की रिवायत ना रहे, तो ऐसे चाहना ही नहीं चाहिए पहले के बाद में उसके लिए। मुझे ये बात करनी है ना, जो कैलकुलेटेड नहीं नहीं डॉक्टर साहब जो बात करी, अल्फाज का मरहम नहीं उस जख्म का दरमा, अल्फाज का मरहम नहीं उस जख्म का दरमा जो जख्म तेरे तर्ज तकल्लुम से पड़ा है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से, मैं यही बताना चाह रही थी कि ये बड़ा तकलीफ़दह अमर होता है, और उसमें फिर आप उस शख्स को आप बुरा भला भी नहीं कह सकते, उस शख्स से आप लड़ भी नहीं सकते, उस शख्स से आप स्टिल आप उससे अटैच होते हैं, चाहे अच्छे बुरे सेंस में, कहते हैं ना नफ़रत भी मोहब्बत की एक कड़ी है, मतलब आप चाहे कहें कि माई डोंट केयर माई फुट और भाड़ में जाए, जो भी मतलब आप गुस्से में कह सकते हैं, लेकिन फिर वो जो रिबाउंड आ रहा होता है ना आपकी तरफ, वापस आ रहा होता है, उस फेस से आपको निकल, आप निकलना चाहते भी हैं और आप निकलना नहीं भी चाहते। हम इसमें बात करेंगे,
आपका? अच्छा, मैं इस वक्त इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि ये सब लोगों के जो सवाल काम करते हैं। आप कंफ्यूज मत रहे, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। एक जी, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था, आज उसने अपने गम भी मुझसे अलहदा कर लिए, आज मैं रोया तो मेरे साथ वो रोया ना था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। ब्रेक है, ब्रेक के बाद। अचानक से तुम जाग गए सेहत के सेगमेंट में। मथीरा, सलामकुम। जी सलामकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप अच्छी लग रही हैं बहुत। थैंक यू। आप भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सुबह सुबह मैं तो खैर इसी में होता हूँ अक्सर, तो सुबह सुबह इतना हसीन लगने का राज क्या है? पता नहीं, राज अभी नहीं नहीं नहीं, इट्स जस्ट एक घंटे का जो मेकअप होता है वो राज है। एक घंटे का मेकअप होता है? एक घंटे का जो मेकअप होता है। अच्छा, वी हैव गॉट डॉक्टर फरा सबा, एक मरतबा फिर सलाम अलैकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू फॉर कमिंग अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन वी हैव गॉट डॉक्टर आयशा, और इन्होंने मुझे ख़ास तौर पर कहा है बिल्कुल नहीं कहना मेरा पूरा नाम, न्यूट्रिशनिस्ट ये आपको कहना है। तो इनका आपका कब आ रहा है, वेब चैनल कब आ रहा है ये बताएं? आ चुका है जी, तो रिलीज हो गया है। ओके, तो उसमें किस किस्म के वीडियोस होते हैं? आज चलें आपकी प्रमोशन की बात करते हैं, अभी बात करते हैं, बताइए किस किस्म ये के? अभी मैंने स्टार्ट किया है डॉक्टर आयशा न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से, ठीक है, और इसमें वीडियोस भी हो गए, लाइव सेशंस शुरू किए हैं। अभी इसके सिर्फ 350 सब्सक्राइबर्स हैं, बिकॉज इट्स बिल्कुल न्यू, ठीक है, आई हैव टेकन अ स्टार्ट, लेकिन इसमें आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी डाइट, ठीक है, और हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें मैं हेल्दी रेसिपीज और हेल्दी डाइट प्लान्स शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आई हैव टेकन अ न्यू स्टेप, और आई एम अ डॉक्टर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट, एक बिल्कुल नई चीज़ मैं लेके आई हूँ। आप इसको लाइक करें और मुझे अप्रिशिएट करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। आई थिंक यू नो वी लव यू हियर एंड ऑडियंस दे लव यू देयर, तो आई थिंक जरूर होगा, जरूर होगा। बल्कि इनफैक्ट मैं जाकर उसको सबसे पहले तो मैं सब्सक्राइब करूंगा। बहुत शुक्रिया। एंड देन ऑफ कोर्स एवरीवन एल्स आल्सो, आई थिंक मथीरा इज गोना डू दैट। तुमको वैसे भी तुम अच्छा, कभी-कभी तुम क्रैश डाइट करती हो? नो, नहीं, आप हमें अपनी खूबसूरती का राज बताएं आज। बट देन हाउ डज योर वेट फ्लक्चुएट्स? ऐसा क्यों होता है कभी-कभी यू गो रियली ऑन द स्लिमर साइड एंड देन यू नो देन देयर आर टाइम्स व्हेन यू लेट गो ऑफ योरसेल्फ? When I'm actually sleeping on time, I end up losing weight. Okay. And when I'm like not sleeping and living a little healthy, and especially when I'm traveling, I put on a lot of weight. Okay. अच्छा, ये बड़ी एक important बात है, a lot of people do not realize that, कि अगर आप weight lose करना चाहते हैं तो sleep आपके लिए बहुत important है। Yes. आपको sleep लेनी पड़ेगी क्योंकि proper body function करने लगती है। एक्चुअली बेसिकली जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपका वेट रिड्यूस करते हैं वो आपकी डीप स्लीप में होते हैं, ठीक है? उसमें एक ग्रोथ हार्मोन भी होता है और उसमें हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं, जिसमें बेसिकली सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन आपका हैप्पी हार्मोन है, वो आपको खुश रखेगा, आपकी स्किन को अच्छा करेगा। जिनकी शादियों को 12-13 साल हो जाते हैं उसमें सेरोटोनिन कम हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या पता 12-13 साल में भी वो आपस में इतने खुश हों, उन्होंने इतनी अच्छी फैमिली प्लानिंग की हुई हो, वो इतने खुश हों, उनके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हों, लेकिन हैप्पी हार्मोन का आपका ताल्लुक डीप स्लीप से बहुत ज्यादा है। आई थिंक शादी से पहले सेरोटोनिन या हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो बहुत रिलीज हो रहे होते हैं ना। एवरीवन इज थिंकिंग ओ माय गॉड, आप हमारी पिक्चर्स उठा के देख लें, फिल्में उठा के देख लें, दे आर ऑल सेरोटोनिन बेस्ड। यू नो वो जो जितने भी फिल्में हमारी होती हैं, गाने देख लीजिए आप, तुम मेरे पास आ जाओगे तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगा, और फिर वो पास आ जाता है ना, जब वो पास आ जाता है तो फिर उसके बाद ऐसा आप ये बोलते मैं क्या कर लूंगा। हमारी शादी और मंगनी के वक्त मोबाइल नहीं था, काश होता तो मैं वो मैसेजेस सेव करके रखती, उस वक्त सिर्फ खत था। अच्छा, तो वो खत है मेरे पास, लेकिन अब वो खत ही, अच्छा, फिर एक और कंप्लेन होती है, मैं एक और कंप्लेन होती है, अब आप तो ऐसी कोई बात ही नहीं करते। एग्जैक्टली, आप क्यों नहीं लिखते? मतलब एक ही घर में रहते हैं, क्यों लिखूं? तो अब तो मेरे पास खत रह गए डॉक्टर साहब के,
तो वो अब तो उस वक्त तो वो मोबाइल ही नहीं था। हमसे कसूर ये हो गया कि हमने डॉक्टर साहब की तस्वीर देख लिया अभी थोड़ी देर पहले, बस ये हमसे कसूर हो गया। और मेरे मुंह से एक जुमला निकल गया था डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर साहब इज वेरी गुड लुक, ही एक्चुअली इज। बट यू नो दे गाइस, दीस गाइस मेक अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कपल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो स्रोटनिन की हम बात कर रहे थे, तो वो हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। बिल्कुल, हैप्पी हार्मोन्स हैं। अब वो जैसे वो बता रही हैं कि जब वो नींद पूरी करती हैं तो वो फिट भी रहती हैं, वज़न भी उनका रिड्यूस हो जाता है। लोग ये बात नहीं समझते, लोग समझते हैं कि जी हम चंद घंटे की नींद पूरी कर लेंगे और हम पूरा दिन काम करेंगे और हम उस तरह शायद अपना वेट रिड्यूस कर लें। नो, नींद का पूरा होना, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, आपके घर की साफ सुथरी डाइट जिसमें वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों और ग्रीन टी हो, चाय और कॉफ़ी कम से कम हो, ये चीज़ें आपके वेट को मेंटेन करती हैं। और उन्होंने कभी वेट नहीं होता, लाइक माय इश्यू इज आई व्हाट यू कॉल आई गॉट स्वोलन, तो ये एक हो जाता है। प्लस आई वाज आल्सो कुछ मल्टीविटामिन्स भी होते हैं उसको आप छोड़ते हो तो दैट आल्सो गिव्स अ लिटिल यू नो किक बैक, क्योंकि मल्टीविटामिन्स 3-4 महीने के लिए ब्रेक देना पड़ता है। ओके, सो यस, उसमें भी थोड़ा बहुत ये हो जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करें, I actually take vitamin C, like मुझे ये लगता है कि जो हम खाना खाते हैं वो आपको उतना बूस्ट नहीं दे सकता, तो जैसे विटामिन सी और मल्टीविटामिन्स एंड ये चीजें, हां मल्टीविटामिन्स लेना जरूरी होता है। अच्छा जी, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ, आज जो हम बात करेंगे DKT में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये बात करते हैं, हमने वेट की बात क्यों की, मैंने क्यों की, बिकॉज जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद आपके वेट के बहुत इश्यूज आते हैं और बहुत देखा गया है कि बहुत शदीद तरीन इशूज़ जो होते हैं वो हो जाते हैं, उसके अंदर फिर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और एक बार ये कहा जाता है कि एक बार अगर आप वेट पुट ऑन कर लें तो फिर वो बहुत मुश्किल से शेड होता है, तो क्या आपको ऐसा एक्सपीरियंस है? ख्वातीन आती हैं और आके कहती हैं कि मेरा वेट पुट ऑन हो गया है और मैं अब उसको ख़त्म नहीं कर पा रही, किस तरह ख़त्म करूँ जी? तो ये बात उनको हम जब उनका एंटीनेटल करते हैं, जब वो अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ रही होती हैं तो उनका एक ख़ास वेट है जो हमें चाहिए होता है कि पर वीक कितना बढ़ना चाहिए या पर मंथ कितना होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। उस वक्त तो हम उनको नहीं कह सकते कि वेट लॉस करें। हाँ, आफ्टर डिलीवरी फिर उनको हम पूरा एक देते हैं डाइट प्लान कि आप ये करें, एक्सरसाइज करें, अपना सब कुछ उसका उस हिसाब से भी उनको वेट रिड्यूस करना होता है। लेकिन बहुत सी ख़वातीन नहीं कर पाती, इसलिए कि एक तो प्रॉपर अपने आप को टाइम नहीं दे पाती, और इससे पहले हम पिछले प्रोग्राम में जो बात कर चुके हैं फाइनेंशियल इशूज़ कुछ। अच्छा, अभी जो आपने बात की थी डॉक्टर साहब, आपने बात की थी हैप्पी हार्मोन्स की, ठीक है, तो औलाद के बाद तो हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा होने चाहिए, कैसे होंगे? आपका स्लीपलेस नाइट्स आपकी है भाई, आपकी स्लीपलेस नाइट्स है ना, आप 3 महीने तक तो आप ये भूल जाएं कि पैदाइश के बाद वो मां सो सकती है। 3 मंथ्स तक तो, 90 डेज तक तो उस बच्चे ने आपको रात को पूरे रात जगाना है। एंड दैट इज द एग्जैक्ट टाइम द वुमन आल्सो सफर्स द यू नो आफ्टर प्रेगनेंसी डिप्रेशन भी वो एकदम से आता है उसके ऊपर, सो इट्स लाइक यू नो। अच्छा, ये प्रेगनेंसी डिप्रेशन क्या होता है ये बताइए। दिस आई हैव गॉन थ्रू इट। So when you're pregnant, आपके एनजाइटी लेवल्स, आपके हॉर्मोन्स थोड़े यू नो ऊपर नीचे होते हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपके हाथ में एक जिम्मेदारी आ जाती है। कभी कभी दिमाग उस चीज़ को, एक होता है ना कि रात में उठकर उसको फीड करना, उसकी हर एक चीज़ की ख्याल रखना, वो कभी कभी कुछ औरतों का दिमाग लेता है लेकिन वो थोड़ा सा एनजाइटी के साथ ले लेता है। ठीक है, मे बी इट्स द एटमोसफियर अराउंड देम, मे बी जो एक प्रॉब्लम से वो गुजर रही होती है वो भी कभी कभी अफेक्ट होता है। आई थिंक सपोर्ट सिस्टम बड़ा काउंट करता है, जो आपके अतराफ में आपका सपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें आपके हस्बैंड शामिल होते हैं, आपकी मदर इन लॉ शामिल होती हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ शामिल होती हैं, ये तमाम लोग जो हैं बड़े काउंट करते हैं। एंड नॉट एवरी प्रेगनेंसी इन पाकिस्तान, आई हैव सीन नॉट एवरी प्रेगनेंसी इज़ अ हैप्पी प्रेगनेंसी, मैंने ये देखा है। रियली? क्या लड़कियाँ बहुत प्रेशर में होती है, 6 महीने तक यही दुआएं मांग रही होती है, हर मन्नत हर जगह पर के लड़का हो जाए। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही बात करेंगे। हमने अक्सर ये बात की है कि लड़का हो जाए और लड़की ना हो, तो ये बात क्यों होती है, इसके बारे में, इस स्टिग्मा के बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ आप जो हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए। बहुत सारी ख्वातीन इससे फ़ायदा हासिल करेंगी एक ब्रेक के बाद। जी वापस आ गए हम
डॉक्टर साहब, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप ये बहुत प्रॉब्लम्स देखती होंगी, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं? क्या वो, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इन्होंने प्रेगनेंसी डिप्रेशन की बात की है, क्या वो भी एग्जिस्ट करता है बाकी लोगों में, एग्जिस्ट करता है या सर्टन लोगों में? बिल्कुल, इसको पोस्टनेटल डिप्रेशन कहते हैं। देखिए, 90 डेज तक तो उस बच्चे ने जागना ही जागना है, और हमारे यहाँ जो इस वक्त हालात हैं, हर बंदे के पास ज़रूरत हो सकता है कि नहीं हो, कि इतना बड़ा घर हो कि उसमें एक अलहदा रूम हो और वो अलहदा बेबी के साथ वो औरत उस रूम में रह रही हो। ज़्यादातर यही होता है कि एक ही मास्टर बेडरूम होता है जिसमें मियाँ बीबी साथ होते हैं और वो बेबी साथ होता है, और जब पूरी रात वो बच्चा रो रहा होता है, बार बार उसको मदर फीड की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त हस्बैंड भी साथ में सफ़र करता है, उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज़ से वो भी डिस्टर्ब होता है, फिर माँ उठती है और बेबी को फीड कराती है, तो उससे वो बार बार जब नींद टूटती है तो ऑब्वियसली हैप्पी हार्मोन्स कैसे रिलीज हो सकते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो जैसे मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि जिस वक्त बच्चे की पैदाइश हो रही है उससे लेके 5 साल तक वो बच्चा मुकम्मल तौर पे स्टेबल होता है, जब तक वो माँ की जीरे निगरानी होता है, बच्चा कोई चीज उठा के मुंह में डाल रहा है, तो वो चल रहा है, वो क्रॉल कर रहा है, की बात कर रहे हैं कि वक्फा बहुत जरूरी होता है, तो वक्फा बहुत जरूरी है, और उसी तरह से माँ की नींद, बाप की नींद, घर में इतने सारे रूम्स नहीं होते कि माँ अलहदा बच्चे को लेके जाएगी और वहाँ अपना रात गुजारेगी और वो सुकून से सो सकेगी या हस्बैंड सो सकेगा, छोटे छोटे कमरे होते हैं और वहीं पूरी फैमिली अपनी गुजर बुजर कर रही होती है, इन लॉज भी साथ में रह रहे होते हैं, अमूमन ज्यादातर फैमिलीज इसी तरह गुजारा कर रही होती है, तो वक्फा भी बहुत जरूरी है, उसी तरह से आपकी नींद भी पुरसकून होगी और इसीलिए हैप्पी हार्मोन्स भी होंगे। इसमें आपके माशी फैक्टर्स भी आते हैं, इसमें सोशल फैक्टर्स भी आते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि कम बच्चे खुशहाल घराना, आप दरमियान में अपना गैप देंगे, एक बच्चा आपका बड़ा हो चुका है तब आप प्रॉपरली सोच समझ के आप दूसरा बेबी कीजिए ताकि दरमियान में गैप भी आ जाए, फिर आपने दूसरे बच्चे को कहीं और अगर किसी और कमरे में या अपने इन लॉज के साथ या किसी और रूम में शिफ्ट भी किया, या अगर वो बच्चा भी उस कमरे में है तब आप दूसरे बेबी के बारे में सोचिए ताकि आपकी नींद भी डिस्टर्ब ना हो और आप हैप्पीली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ऑलराइट, आपके आपकी इस बारे में राय क्या है? मैं भी यही कहूँगी कि जो कहते हैं कम बच्चे खुशहाल घराना, उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि माँ को एक ड्यूरेशन मिल जाए अपने आप को रिकवर करने की, उस बच्चे को प्रॉपर पालने की। वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए एक्सरसाइज भी आप लोग रिकमेंड करते हैं क्या? माँ के पास इतना टाइम होता है या टाइम उसे निकालना पड़ेगा? सबसे अच्छी एक्सरसाइज वॉक है। अच्छा, आप वो काम करें जो सारी ज़िंदगी कर सकते हैं। ओके, आप सारी ज़िंदगी डाइट नहीं कर सकते, आप सारी ज़िंदगी जिम नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम चाहिए। बच्चे को छोड़ेंगे किसके पास, घर के कौन संभालेगा? आप वो काम करें, वो बताएं जो माँ कर सकती है। ठीक है, उसमें सबसे सिंपल ये है कि वो 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम वॉक कर लें, या अगर एक टाइम एक घंटा वॉक कर लें, अपना डाइट प्लान उसको दे दें कि कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। ये भी नहीं है कि वो फीडिंग मदर है, आपको उसको बिल्कुल भी भूखा नहीं रखना ना, कि ये भी नहीं है कि वो फीड भी करा रही है और उसको अपनी न्यूट्रिशन भी चाहिए। वो उसको डाइट प्लान देंगे जो उसका वेट रिड्यूस करे और उसको हेल्थी भी रखे। अच्छा, मेल न्यूट्रिशन का कितना प्रॉब्लम होता है आप? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, बात वही आ जाती है, एक घर में अगर 3-4 बच्चे हैं, ठीक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो माँ पहले बच्चों को पूरा करेगी और उसके बाद फिर अपने पास आएगी। ठीक है, और जब तक वो अपने पास आएगी कुछ नहीं बचता। ठीक है, ठीक है ना, उसको अपना हेल्दी रखने के लिए उसके टेस्ट ज़रूरी हैं, उसके न्यूट्रिशन ज़रूरी है, जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं। अब जैसे आयशा ने कहा कि जी एक घर में सब हैं, इन लॉज भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो एक तरफ होके एक बंदे के लिए नहीं प्रॉपर आ सकता, आएगा तो पूरे घर के लिए आएगा। ये नहीं हो सकता कि जो एक माँ है सिर्फ उसको फ्रूट्स दे दिए जाएँ या उसकी जो है अच्छी डाइट कर दी जाए, बच्चे देखते रहें या घर वाले देखते रहें, तो यहाँ पर आकर उसको प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम बार बार उसी तरफ जा रहे हैं कि कम बच्चे जो हैं वो ज्यादा सेहतमंद माशरे के लिए जरूरी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, और उसमें डाइट प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो प्रेगनेंसी के अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप उस दौरान जब आप माँ बनने वाली हैं, प्लीज उसी वक्त आप अपनी डाइटिशियन के पास जाके एक अच्छा सा डाइट प्लान जरूर लें ताकि आप वजन इतना ज्यादा ना बढ़ाएं। मेरा सवाल है, वो लोग जिनके पास डाइटिशियन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आई एम श्योर कि अब यूट्यूब का दौर है, आप उस पर जाकर ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, आपकी जैसे चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डाइट प्लान्स। लेकिन वो लोग जो अवेलेबल, वो फर्ज करें जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो क्या करें फिर?
वो अपनी आप देखें जो लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं एटलीस्ट वो हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त देख तो सकते हैं, वो इतना सकते हैं। वो इस वक्त मीडिया में मीडिया के अंदर इतनी पावर है कि वो लोगों को इतना गाइड कर सके। हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है कि कोई भी माँ जिस वक्त आके ये न्यूज़ बताती है कि वो इस वक्त माँ बनने वाली है या ये खुशखबरी है, ये मैसेज देती है, सबसे पहले उसको घर के बुजुर्ग ये बताते हैं कि आओ जी आओ बिस्मिल्ला और तुम जितना खा सकती हो खाओ। उसमें बेसिकली होता ये है कि वो इतना ज्यादा अपना वेट पुट ऑन कर लेती है, इन दी एंड वो एंड अप करती है डायबिटीज में, हाई ब्लड प्रेशर में, उसकी डिलीवरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसके बाद उसके जॉइंट प्रॉब्लम्स कि इवन हम डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट के लिए उस औरत को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और जब उसका मास और वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है वो अपने बेबी को भी लुक आफ्टर नहीं कर पाती। इट्स जस्ट लाइक कुछ लोग प्रेगनेंसी को एक डिजीज की तरह बना लेते हैं, मतलब उनको बेड रेस्ट चाहिए। ठीक है, अगर आपके डॉक्टर ने एक्चुअली आप पर लाजिम किया है कि बेड रेस्ट होना ज़रूरी है तब आप लें, वरना ज़रूरी नहीं है। और जो कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे को क्रेविंग हो रही है, आई बेसिकली थिंक इट्स द मदर। वो जो क्रेविंग है ना वो बेबी को तो होती नहीं है, क्योंकि जो बेबी ऑफकोर्स इट्स गोना बी बोर्न अ हेल्थी एंड अ गुड बेबी, पर वो सारे आपके न्यूट्रिशंस और इन सारी चीज़ों से बनता है एक बच्चे का वज़न। बच्चे को चॉकलेट केक और ये चीज़ें ज़्यादातर आप पर ही लगेगी। सो और ज़्यादातर लोग ये भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करो, पर इस टाइम पर अगर सात महीने से अगर आप शुरू करते हो एक्सरसाइज, थोड़ा सा भी घर का काम करना, तो आपकी डिलीवरी का टाइम और आपके जो लेबर के कॉन्ट्रैक्शंस वो दर्द 50% कम हो जाते हैं। मतलब जितना आप फेस करने वाले हो आप आधा करते हो। सो ये एक्चुअली एक प्लस पॉइंट ये होता है दैट वुमेन शुड नॉट कम्प्लीटली जस्ट बी बेड रेस्ट, कोई उनको उठाए नहीं। आप करो रेस्ट आराम से, लेकिन आप एट द सेम टाइम अपनी बॉडी को नॉर्मल रखो, कोई बीमारी नहीं लगी आपको। वर्किंग वुमेन ये वाला टाइम पीरियड बहुत अच्छा गुजारती हैं, बिकॉज़ प्रेगनेंसी इटसेल्फ आपको डिप्रेशन में लेके जाती है। आप बहुत मिजरेबल फील करते हैं क्योंकि आपकी मूवमेंट्स इतनी अच्छी नहीं होती, आपको मॉर्निंग सिकनेस है, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। प्रेगनेंसी का मतलब है एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज लेना। ये बात हमारे लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं प्रेगनेंसी का मतलब है बेकरी आइटम्स खाओ, पिज्जाज की होम डिलीवरी करवाओ, जितना खा सकते हो खाओ। उसके बाद हमारे लिए इस चीज़ को टैकल करना मुश्किल है। उसी औरत का वज़न 20 किलो 30 किलो 40 किलो इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि जब उसको मैं डाइट प्लान के ऊपर लेके आती हूँ उस औरत के लिए भी बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है उसकी दोबारा से काउंसलिंग करना, उसको कट डाउन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं बालों के बारे में बात करूँगा। कुछ खवातीन ये भी कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्टनेटल बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं और वो बड़े, मैंने अक्सर लोगों से अक्सर ख्वातीन से ये कहते हुए सुना है कि जी मेरे बाल पतले हो गए ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी और या फिर पोस्टनेटल जो वो थी वो उसकी वजह से ऐसा हो गया। इसके रीजंस क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ जो मैल न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, जिन असबाब की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रेगनेंसी के एक एक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कि जी उस दौरान ये तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, आपको ये क्रेविंग्स हो रही होती हैं, आप प्लीज़ इसमें ज़रूर जाएँ। DKT के क्लिनिक्स हैं, वहाँ जाके मशवरा कीजिए, वहाँ पर कंसल्टेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे, आपके डाइट चार्ट्स आपको बना के देंगे। 1200 क्लिनिक्स पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी इन तमाम चीज़ों का जिक्र उनसे ज़रूर करें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वो ब्रेक बैक। Once again, welcome back and question is the same. वजह क्या होती है, क्या बाल झड़ना एक नेचुरल अमर होता है या हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मैंने बहुत सुना है लोगों से, क्या वो मैल न्यूट्रिशन की वजह से होता है या उसके कोई और मुहरकात होते हैं? जब हम प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रहे होते हैं उस वक्त हमारी डाइट भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उस वक्त हम विटामिन इनटेक भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है। डिलीवरी के बाद ये होता है कि जो हमारी नरिशमेंट होती है, जो हमारी तमाम तर हमारी समझे कि ताकत होती है या एनर्जी होती है आफ्टर डिलीवरी, वो उस वक्त बेबी को चली जाती है, बेबी की बर्थ हो जाती है और उस लिहाज से जो हमारी सारी स्ट्रेंथ होती है बेबी में जाती है। ये कुदरती अमल होता है कि वो नए टिश्यूज़ बनते हैं,
आपकी बॉडी एक नया जन्म लेती है तो उस वक्त वो बाल गिरते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है, ये कोई परमानेंट फेज नहीं होता. इट्स नॉर्मल, इट कम्स बैक. वो बालों का दोबारा जन्म होता है, वो रीग्रोथ होती है और वो बाल दोबारा वापस आ जाते अच्छा. लेकिन मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि जी अक्सर मैंने ये सुना है लोगों से, वो ये कहते हैं कि जी बच्चा बोलता है. क्या कह रही है? बच्चा बोलता है तो बाल गिरते. ये एक बड़ा मिथ है. बच्चा बच्चे ने बोलना और हंसना इतने महीनों के बाद गिरना होता है. तो बड़े बूढ़ों ने उस वक्त कहा हुआ है कि बच्चा जब बोलेगा तो बाल गिरेंगे. वो बोलने से नहीं गिरते, वो इतने महीनों के बाद जब वो हंसता है और वो एक्टिव होता है. दिस इज न्यू, दिस इज न्यू टू मी. मुझे नहीं पता था कि बच्चा बोलता है तो बाल गिरते हैं. मतलब वही आगे ना बात के इतने महीनों में जब तक ये बोलेगा तो वो बाल गिर. पुराने जमाने के लोग ये बता नहीं सकते थे तो ये लोग छोटी छोटी निशानियां छोड़ देते थे. आई थिंक जाहिर उन लोगों को सख्त हार्मोनल उसका बैलेंस का या उस चीज का नहीं पता होता था, अवेयरनेस नहीं थी. और प्लस उसके अलावा फर्स्ट दफा जब पहली दफा जब आप माँ बन रहे होते हैं तो उस वक्त आपके अंदर भी एक इश्तियाक होता है. तो जब ये बातें आपको मदर इन लॉ या आपकी वालिदा बता रही होती है कि अब ये होगा तो ये बातें आप बड़े गौर से सुनते हैं और आपके दिमाग में रह जाती है और वो फिर बड़ा मजा आता है. और वो जब वो बातें सच होने लगती है कि अब ये होगा और अब ये होगा तो आप उसको बहुत एंजॉय करते हैं. फिर दूसरी दफा और तीसरी दफा फिर वो एक कहानी बन जाती है. कुछ नहीं होता, मतलब आपकी मर्जी है. लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ, कम बच्चे खुशहाल घराना. दैट इज काइंड ऑफ. लेकिन अगर बात चौथे तक चली जाए या पांचवें तक चली जाए तो फिर यू नो यू शुड. लेकिन ये है आयशा की बात का काफ़ी हद तक सही है कि पहला बच्चा पालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कम्प्लीटली डिपेंड ऑन मदर्स. लेकिन बाद में दो बहन भाई भी अगर हैं तो वो हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं माँ के साथ. रियली ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है. लेकिन अगर एज गैप हो, एज गैप जानने वालों की क्या करें. नहीं वो तो केजी क्लास बन जाएगी फिर. आप देखिए ना कि अगर हमारे यहाँ नॉर्मल जो नॉर्मल बिहेवियर ये है कि जी पहला बच्चा हुआ उसके फौरन बाद दूसरा बच्चा हुआ फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा और उसके बाद पांचवें छठे के बाद जाके वो ये कहते हैं अच्छा जी बस अब बहुत हो गए. ये जो आप पहले बच्चे के बाद जो एक माँ को एक होता है ना एक डज मिलता है एंड देन दैट्स ओके. वो बंदी ज्यादातर रिकवर हो सकती है. लेकिन बैक टू बैक अगर आप करते हो तो जब आप दूसरा बच्चा बैक टू बैक हो जाता है सो इट्स लाइक फ्रॉम 100% पहले बच्चे में माँ चली गई 50%. ठीक है, उनको इतना महसूस नहीं हुआ. लेकिन जब दूसरा बच्चा जाता है शी इज कम्प्लीटली डाउन टू 25%. लाइक इट हिट्स मोर. जितने बच्चे होते जाते उतनी एनर्जी सिवियरली यू नो जाती रहती है. इन द एंड ये होता है वो औरत बुढ़ी लगने लगती है, उसकी स्किन पर झुर्रियाँ आ जाती है. दिस इज रियलिटी. बहुत सारी औरतों के आप चार बच्चे देखो और आप उनकी उम्र पूछो लगता आपको लगता है वो 35 बोलेंगी, 36, 37. लेकिन शी इज जस्ट लाइक बिगिनिंग इन अ 30s. मतलब उसकी स्किन बिल्कुल अजीब सी हो जाती है. अच्छा, इससे भी बहुत ताल्लुक होता है. नहीं, इससे बहुत ताल्लुक होता है. या कुछ लोगों ने मुझसे भी इस चीज़ का पूछा. हम लोग चूंकि खुद डॉक्टर्स थे और हम लोग दोनों वर्किंग थे तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों ही पढ़ने की फेज़ में हैं. तो हमने बहुत सारे गैप्स दिए और लोगों ने पूछा भी हमसे बहुत, ये गाइडेंस भी जब हम लेते. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई फील वेरी यंग एंड फ्रेश बिकॉज मैंने अपने बच्चों में 8-8 साल के 5-5 साल के गैप दिए. और मुझे आज भी मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा ही इज 21, उसके बाद माई डॉटर शी इज 15, शी विल बी 15. और उसके बाद जो अब मैं कहती हूँ कि जो सबसे जिसको हम इंजॉय करते हैं जो हमारी बेबी डॉटर है शी 6. तो मैं इस चीज को इसलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेके ये बड़े मजे की बात. देखें ये देखें ये बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तीन बच्चे इनके हुए, कंप्लीट फैमिली इनकी भी है. आई मीन परफेक्ट आइडियल तीन बच्चे और दो माँ बाप, आइडियल फैमिली है. लेकिन इनमें गैप सब देखिए, बड़ा बेटा 21 साल का, छोटी बेटी उससे जो छोटी है वो 15 साल की, दैट मीन 6 साल का गैप है. और सबसे छोटी जो है वो 6 साल के, तो 9 साल का गैप है. दैट्स ह्यूज.
जब वो छोटी हुई होगी यू मस्ट बी फीलिंग लाइक यू बिकम अ मम्मी ऑल ओवर अगेन ऑल ओवर अगेन खुशी जो होती है दैट्स द रियल प्रेगनेंसी क्या आप भूल जाते हो डायपर क्या होती है फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरे ख्याल में एक और बड़ी चीज होती है आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होते रहते हैं आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होते हैं दूसरी बात ये होती है कि मुझे रिकवरी का पूरा पूरा टाइम मिला एक और बात होती है वो बात ये होती है कि आप जब बच्चों को प्रॉपर तवज्जो देते हैं तो उनकी शख्सियत बहुत अच्छी बनती है शख्सियत बहुत अच्छी बन जाती है प्लस मैं कहती हूँ कि हर चीज़ में आई डोंट नो ये बात बहुत मुनासिब ना लगे लेकिन पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पैसे हर चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं देन ये है कि दूध पैम्पर्स उसके बाद जब वर्किंग मदर है तो उसको एक हाँ, उसके बाद मेड रखनी है मुझे हमेशा अपने लिए दिन रात की मेड रखनी पड़ी क्योंकि उसकी वजह ये कि मुझे क्लिनिक जाना होता था तो मैं क्लिनिक जा रही हूँ तो मैं कैसे अपना छोटा बेबी छोड़ के जाऊँ किसकी मैं बेबी को भी साथ लेती थी उसका बैग भी साथ जाता था और वो मेड भी साथ देती थी मेड साथ जाएगी आपको उसको सैलरी भी देनी है तो ये सब चीज़ें पैसों से आती हैं ना तो फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साथ साथ वैक्सीनेशन जो फिर साथ वैक्सीनेशन कार्ड देते हैं बच्चे का वैक्सीनेशन वो व्हाट यू कॉल 15 जब वापस आएंगे तो बच्चे की वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद अच्छा जी कमिंग बैक लेट्स टॉक अबाउट द वैक्सीन्स वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हमारे यहाँ ज़रा बात कम की जाती है वैक्सीन्स पे तो थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए डॉक्टर साहब कहीं कोई भी शुरू कर लें वैक्सीनेशन तो जब जैसे ही बेबी पैदा होता है फौरन ही शुरू हो जाती है हम BCG और पोलियो ड्रॉप्स दे के भेजते हैं घर और उसके बाद उनको एक कार्ड इशू किया जाता है जिसमें उनको बताया जाता है कि आपको कितने कितने वक्फे से कब कब कौन सी वैक्सीन लेनी है इस पर डिपेंड करता है कि अगर आप फाइनेंशियली पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं तो वो चाहते हैं कि जी प्राइवेटली जो भी डॉक्टर है उसे करवाते रहें टाइम टू टाइम और जिनके पास नहीं होता ये मसला होता है फाइनेंस का उनको हम भेज देते हैं गवर्नमेंट सेटअप्स पे और उस पर वहाँ पर भी सही प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है और यहाँ पर ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको अवेयर करें कि ये बहुत ज़रूरी है क्या, ये ना हो क्या 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 पेरेंट्स जो होते हैं कभी निगलेक्ट भी करते बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं इसलिए कि उनको पता ही नहीं होता ना ओके आप उनको इम्पोर्टेंस बताएंगे इस चीज़ की कि अगर आपने ये नहीं कराया तो आपके बच्चे के साथ ये हो सकता है ओके तो फिर वो बिल्कुल करते हैं बिल्कुल करते हैं ठीक है ये है जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और जैसे कि बता रही हैं एक्चुअली वैक्सीनेशन कराना जो है इतना इजी काम नहीं है इसके लिए एक पूरी डायरी मेंटेन करनी पड़ती है वो एक कॉपी मेंटेन करनी पड़ती है वो बकायदा उसी डेट पे आपको जाना पड़ता है मुझे पता है कि हर बच्चे की मेरी अलहदा कॉपी है प्रॉपर डेट पे उसी तारीख पे एक महीना डेढ़ महीना दो महीना फिर छः महीना फिर सात फिर आठ फिर नौ उस डेट पे आपको बकायदा जाना पड़ता है अगर आप कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल का भी मैं अगर नाम लेने की इजाज़त है मुझे आगा खान हॉस्पिटल की मैं बात करूं सारे बच्चों की मेरी वहीं से वैक्सीनेशन हुई है तो लंबी कतार है इतनी लंबी कतार है कि आपकी सोच है आप 9 बजे भी अगर वहाँ पे आप जाएं मतलब वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और आप अगर वहाँ पर भी जाते हैं तो एक लंबी लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को आप दुनिया में लेके आए हैं और उस बच्चे को हेल्थ देना उसको आपको बीमारियों से महफूज रखना सेहतमंद रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे पता है कि किस तरह से बच्चों को गोद में लेके जाना और साथ में मेड और उसका बैग और पैम्पर्स और दूध और वहाँ जाके लाइन में रखना उसके बाद पेमेंट करना और उसके बाद वैक्सीनेशन कराना फिर वो बच्चा रोएगा चीखेगा उसके बाद बुखार हो जाता है फिर बुखार हो जाता है फिर पैनाडोल देना मैं जब ज़ारा की वैक्सीनेशन करवा रहा था तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मसला था बहुत बड़ा इशू था बिकॉज मैं तो इंजेक्शन लगते हुए देख नहीं सकता है फिर एक डायरी पूरी 5 साल तक मेंटेन होती है फिर दूसरे बच्चे की 5 साल तक फिर तीसरे बच्चे की तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो मदर्स इतनी ओवरलैपिंग कैसे कर लेती हैं प्रेगनेंसीज की या तो उनके हस्बैंड्स इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि वो दिन में छुट्टी लेते हैं और फिर वो मदर को या वाइफ को साथ लेके जाते हैं और बच्चों के साथ में वैक्सीनेशन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप वैक्सीनेशन पे बिलीव ना करें नहीं ऐसा नहीं है बिलीव करते हैं थोड़े टाइम तक एक दो साल का बच्चा हो जाता है
खुद वैक्सीनेशन नहीं देखें ये है यहाँ पर फिर वही वाली बात आ जाती है सोशल मतलब इकोनॉमिक वाली बात आती है कि जहाँ माएँ पढ़ी लिखी हैं वो तो डायरी मेंटेन कर लेती हैं exactly. जो माएँ पढ़ी लिखी नहीं है वो क्या करें जो माएँ उन्हें कैसे याद रहेगा उसमें तो प्रॉपर उनके पास नंबर ऑफ स्टैंप लगता है डेट का नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी हैं और टाइम भी नहीं है ठीक है ना और उनको अवेयरनेस भी नहीं है पढ़ी लिखी भी नहीं है कैसे करेंगी वो फिर उनको एक कार्ड इशू किया जाता है और जब वो अपनी वैक्सीनेशन बच्चे की कराने आती हैं तो उनको बताया जाता है कि अब आपने इतने दिनों के बाद इस तारीख पर आना है उसमें तो बाकायदा डेट लिखी जाती डेट है स्टैंप जाती होता है सिग्नेचर होता है और फिर वो उसके तहत वो आती हैं और उनके सब बच्चों के कार्ड उनके पास होते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि कार्ड लॉस हो गया अब उसे कुछ नहीं पता लेकिन इसकी तो पेमेंट 4,000-5,000 है एक एक विजिट की तो क्या हमारा सरकारी अदारा ये मुफ्त में करवा रहा है ये मुफ्त में हो रहा है कई एनजीओज हैं जो कर रही हैं जो आपका जेपीएमसी है बल्कि मैं प्रिफर करती हूँ कि गवर्नमेंट सेटअप पे जाएं इसलिए कि आप एक वैक्सीन की बॉटल खोलते हैं आपके सामने 100 बच्चे होते हैं वो देन एंड देयर यूज हो जाते हैं वेरी गुड फ्रेश रहती है अच्छा आप प्राइवेटली जाते हैं वो एक वैक्सीन की बॉटल लेट से 2,000 की तो एक बच्चे के ऊपर ही लगेगी और उसको वो लॉस कर देंगे डिस्कार्ड करेंगे कि अब नहीं है कोई और बच्चा जबकि जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं इनमें एक तो वैक्सीन की तादाद बहुत होती है और आपके बच्चे को फ्रेश मिल रही होती है तो वैक्सीनेशन ज़रूर अपने बच्चों की करवाएं साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ बार बार मैंने एक ही बात पे एम्फेसिस किया है कि देखिए आप DKT क्लिनिक्स जो हैं वहाँ पर ज़रूर जाइए वहाँ पर आपको इसके बारे में तमाम जानकारी जो है वो मिल जाएगी आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपको वहाँ मिल सकती हैं सबसे बड़ी बात ये वुमेन टू वुमेन बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं 1,250 तकरीबन ममालिक के अंदर ये लोग मौजूद हैं और 1,200 से ज़ायद क्लिनिक्स इनकी पाकिस्तान में हैं अभी जो बात हो रही थी वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आप यकीन कीजिए कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपकी शायद वो बुक भी मेंटेन हो जाए आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे को कब लेके जाना है किधर लेके जाना है कुछ नॉर्मल वैक्सीन जो अवेलेबल हैं वो शायद वहाँ पर भी आपको उनके पास मिल जाए लेकिन प्लीज़ रिस्क मत लीजिए किसी भी चीज़ का रिस्क मत लीजिए बच्चा आपकी अपनी सेहत ये हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ है जब बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं बार बार एक ही बात का मैसेज है कि वक्फा बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है ये वक्फा आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे की नशोनुमा के लिए उसकी ज़हनी सेहत के लिए उसकी फ़िज़िकल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये चीज़ें होंगी तो हम एक बेहतर पाकिस्तान की तामीर कर सकेंगे आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिल सकेगी साथ साथ बार बार एक ही बात हम सब दोहराते हैं हर प्रोग्राम के अंदर दोहराते हैं बच्चे कम होंगे तो वसाइल हम बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे आप चीज़ों को एलोकेट बेहतर तौर पर कर सकेंगे आप अपने टाइम को ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने बच्चों के साथ सर्व कर सकेंगे आपकी अपनी रिलेशनशिप जो है अपने हस्बैंड के साथ वो इम्प्रूव होगी आपके हस्बैंड की रिलेशनशिप आपके साथ इम्प्रूव होगी आपकी रिलेशनशिप आपके इन लॉज के साथ इम्प्रूव होगी आपके मैके के साथ इम्प्रूव होगी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर होता है जो बड़ा पार्ट प्ले करता है किसी भी माशरे की बेहतरी के अंदर हम ये चाहते हैं कि बेहतर पाकिस्तान हो बेहतर पाकिस्तान का मतलब है अवेयर माँ एक ऐसी माँ जिसे पता हो कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है कहाँ करना है क्यों करना है उसके लिए हम आपके साथ हैं हम ये शोज़ करते हैं इसमें आपको अवेयरनेस देते हैं साथ साथ DKT जाइए और कोशिश कीजिए कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें वहाँ पर आपकी काउंसलिंग भी हो सकती है अपने हस्बैंड को भी ज़रूर लेके जाइए अपनी मदर इन लॉ को भी ज़रूर लेके जाइए अपनी सिस्टर इन लॉ को भी ज़रूर लेके जाइए आइए मिलके बेहतर पाकिस्तान बनाते हैं आई रियली होप कि आपसे इससे आपको फ़ायदा हो रहा है वंस अगेन थैंक यू मतीरा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मैम बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा ब्रेक है मिलते हैं ब्रेक के बाद There is a lot of confusion on the set और एक confusion है जो अफशीन के पास है जी अफशीन क्या confusion है आप confusion ये है कि मुझे इस चीज से tackle करना आ गया है क्योंकि मैं life coaching करती हूँ आपका कोई fear नहीं फेयर नहीं है कोई मुझे लेकिन अगर होता है ऑब्वियसली एक इंसान अभी क्या तो चीज बॉदर कर रही है इसमें अभी सिर्फ एक छोटी सी चीज बॉदर कर रही थी कि USB जो है वो रीड नहीं हो रही है मैंने कहा था ना म्यूजिक तो वो थोड़ी सी बॉदर कर रही है लेकिन अल्लाह की कोई मसलियत होगी इसमें आई एम हैप्पी विद दिस ओके आई एम चिल बट वी हैव वन सॉन्ग जो चीज मुझे परेशान कर रही थी कंफ्यूजन जो सब लोगों ने अपनी बातें बताई आई नो द रीजन एंड आई नो हाउ टू हैंडल इट
और मैं चाहती हूँ मैं बताइए हाउ टू हैंडल दैट हाउ टू हैंडल सॉरी काश देखिए मोस्टली सब ने यही कहा कि अपनों से दूर जाने का या बिछड़ने का तो बताइए ना कैसे होती है दिस इज द थिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन इज द की जब आप कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है देन इट हैपेंड आपको इस चीज़ को इसके ऑपोजिट अपने आप को मैसेजेस देने होंगे मैसेज कन्वे करना होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑब्वियसली इसकी मेडिटेशंस होती हैं इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं मैंने बहुत बहुत अरसे से मैं सोच रहा हूँ कैटरीना कैफ से मिलूं अभी तक नहीं मिला आप मिल सकते हैं मैं बहुत मैंने कोशिश की है मेरे जहन में एक ही लड़की है और कोई लड़की आके नहीं देती यार पता नहीं क्या बात है क्या मसला है आप मिल सकते हैं आपके लिए तो वैसे भी मुश्किल नहीं है टीवी ह्यूमर खुदा का वास्ता कोई टीवी ह्यूमर बट सो इनका ये हल है कि ये अपने उसको जाके फ्लिप मैसेजेस अपने आप को भेजें जी मैसेजेस उसके लिए आपको तो यूनिवर्स विल टॉक टू देम अकॉर्डिंगली अच्छा ठीक है जी तो आप फ्लिप मैसेज आप सोचे कुछ नहीं होने वाला कुछ भी नहीं होगा एक्सेप्ट व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन या ओके और आप अपने आप को जब वो रियलाइज कर लेंगे ऑब्वियसली ये हम कॉन्शियसली नहीं कर सकते कॉन्शियस माइंड जो है वो डिफरेंट है लेकिन सबकॉन्शियस में ये चीज़ जब जाएगी तो आपका ये फियर भी दूर हो जाएगा और ये चीज़ कभी नहीं होगी इस तरह की ऑब्वियसली जो चीजें पार्ट ऑफ लाइफ हो गया ये दोनों तो हो गए अब पिंकी पिंकी माइक उठा लो ऐसे कुछ नहीं तुमने कहा तुम्हें नींद ही नहीं आती पिंकी डर लगता है या नींद नहीं आती है ये कुछ हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस की वजह से होता है जैसे डॉक्टर साहब भी इस चीज को एग्री करेंगी आपके पास इस तरह के केसेस आते ही होंगे आप लोगों के पास किस चीज की वजह से होता है केमिकल चेंजेस होते हैं हां बिल्कुल ठीक और इसका प्रॉपर इसके लिए मेडिकेशन भी है लाइक इट्स सो इजी है ना डॉक्टर साहब आप प्लीज गाइड करें कि इसके लिए तो मेडिकेशन बाकायदा होती है प्रॉपर बाज़ों को डर लगता है बेल बजती है उससे डर लगता है फोन की बेल रिंग करती है एक खौफ सा दौड़ता है इट्स वेरी नॉर्मल ऐसा होता है लोगों के साथ मुझे तो नहीं होता लेकिन उनको जरूर होता होगा पिंकी आप चेक करो पिंकी आप चेक करो डॉक्टर साहब के लिए उन्होंने यूनिवर्स से बात की उन्होंने कहा कि देखो यूनिवर्स से बात करें डॉक्टर साहब इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है अब बस उसकी फ्लिप होके सोच लो मेरे लिए वो मुझसे बात करेंगी मैं ठीक हो जाऊंगी नहीं तुम्हारे लिए तुम समझ नहीं हो तुम्हारे लिए कह रही है इंसान के बस की बात नहीं है टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है हैप्पी पिल्स तुमको इस्तेमाल करनी है अच्छा सो इमाद इमाद का भी यही है कि ये आपका क्या मसला क्या था देखिए एक बात आपका मसला क्या था जानती हैं मुझे तो मेरे बारे में ना पूछें अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ बैठ गया हूँ ना तो मुझे लग रहा है मैं सवाल करूँ कल नहीं कल आप अपना बताएं ना मैं बता रहा हूँ ना पहले सबका हो जाए हाँ आपकी भी जाना है सबका हो जाए बता रहा हूँ जी डॉक्टर साहब का सबसे इंटरेस्टिंग मसला है एंड थैंक गॉड मैं इनका पेशेंट नहीं बीच में याद आ जाता है साहिर आपको शुगर इस चीज पे करना चाहिए कि मैडम गायनी की प्रोफेसर तो आपको मसला नहीं अच्छा डॉक्टर साहब वाली बात पे मैं ये कहूँगी कि मेनली जो हम लोग सोचते हैं जो हमें खौफ होता है वो फ्यूचर हमेशा हमें खौफ आएगा फ्यूचर से रिलेटेड कल क्या होगा एक घंटे बाद क्या होगा और हमेशा नेगेटिव थॉट आता है कभी आपने सोचा है मोस्टली हम फ्यूचर के लिए जब भी सोचते हैं हम नेगेटिव सोचते हैं जबकि हमें नहीं पता कि कल क्या होना है घंटे बाद क्या होना है तो क्यों सोचते हैं हम नेगेटिव नहीं हमें ब्रेन को लाइक नेगेटिव कि कुछ बुरा हो जाए कुछ गलत हो जाएगा कुछ मिसहैप ना हो जाए मोस्टली मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा नेगेटिव नहीं हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं दैट्स व्हाट आई फील बट जब पॉजिटिविटी नहीं मिलती तो फिर हम नहीं जैसे कि अभी रॉक साहब ने कहा कि मुझे मतलब हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार मुझे मिलना है मुझे जाना है हम हैप्पी टाइम गुजारेंगे अपने फैमिली के साथ या कुछ प्लान करें लाइक हमेशा वो जो खौफ है जो आपको एक पिन करता रहता है आपके दिमाग में वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी मैं समझता हूँ हमें अपना काम करना चाहिए बहुत पॉजिटिवली और बाकी चीज़ों को हमने एक्सपेक्टेशन खास तौर पे लोगों से नहीं रखनी चाहिए उसमें फिर पेन होता है जैसे उन्होंने कहा लेकिन मैं आपकी बात से डिसएग्री इसलिए करूँगी कहते हैं शेक्सपियर ने भी ये कहा था कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखो तो हैप्पी रहो वी आर नॉट रोबोट्स वी आर ह्यूमन बींग्स मुझे तो इससे उम्मीद है चाहे आपका बेटा हो चाहे आपका भाई हो चाहे शौहर हो बहन जो भी जिससे भी आपके इवन पड़ोसी हो कोई भी हो
एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, ये आप नहीं कह सकते हाँ वो फुलफिल ना हो या आप अपना थोड़ा टेम्पो कम रखें, कम ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं हाँ नहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि आप इतना किया इसको भी करना चाहिए था, ये मैं तो प्रोग्राम में गेस्ट आया हूँ मुझे नहीं, लेकिन उनसे आप ये नहीं कह सकते ना कि आप एक्सपेक्टेशन भी ना रखें, एक हमारे गेस्ट हैं साहिर तो उनसे भी हम आप बताएं ना आपका क्या खौफ है। मेरा खौफ कोई नहीं, मेरी एक अल्लाह मियां से रिक्वेस्ट है और दुआ है। आई एग्री विद यू, आई थिंक एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाख अप, आई थिंक आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई हैव गॉन थ्रू लाइफ लाइक हेल एंड बैक एंड देन गॉन बैक एंड देन बैक एंड आई थिंक वी ऑल डू, वी ऑल हैव आवर फाइट्स, हम सब की अपनी ब्रेवरीज होती हैं, अपने फेयर्स होते हैं, सब की तरह से मेरे भी हैं। But my daughter doesn't speak and to me I think that's what my fear is. I want the best life for her. I think I've lived my life enough and I genuinely ask God to help me in that, genuinely. Aur ye mera fear hai. I live a very fast life where I work 22 hours a day, every single day of my life. I don't get much sleep or I don't get much time to even, the only thing I make sure that I speak to my daughter on a video call and I go and visit my mother and my father, my parents, because inke saath inka time bada important to mere liye, other than that I only work. Lekin mera jo wo hai na, jo takleef hai mujhe, main usko accept kar chuka hu, maine कहा भी था, मैंने कहा यार अगर नहीं ठीक है इट्स ओके दैट्स फाइन दैट्स गोइंग टू बी ऑल राइट, नथिंग विल एवर चेंज, आई लव हर द मोस्ट एंड आई विल ऑलवेज लव हर, बट मुझे एक अजीब सी वो है, नो वन नोज एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोना डाई, बट मुझे ऐसे लगता है कि जैसे माय डॉटर शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड हाउवर मच टाइम आई हैव, I want to make sure that I leave enough for her that she's not dependent on anything or anyone. So that is my fear. That's a very genuine fear. मेरे मैं बहुत मैं आपको कोई platonic बात नहीं कर रहा, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, कोई फलसफे की बात नहीं कर रहा, मेरी बेटी है यार, मेरा ये fear है और ये बड़ा ना हो, so that's my fear. आप सबके भी fear होंगे। अब आते हैं ज़रा हीलिंग की तरफ, म्यूज़िक कैसे हील करता है, आपको सुनवाएंगे भी, बताएंगे भी, दिखाएंगे भी ब्रेक के बाद। Thank you.
Very, very nice. Mashallah, mashallah, mashallah. Who composed that? You guys? Aap logon ne. It's an original song. Original from Rumi. It's Maulana Rumi. Yeah. Ki poetry hai. You and I ka matlab hai. Manu to matlab main aur tum. So it's about, you know, just it's Sufi a love song. Love song. Or that we can guess. Yeah. Shams Tabrizi ke liye unhone likhi thi ye is tarah. So ye ek Sufi thing. Mashallah. So humne unke do teen kalam liye aur compose kiye. Very nice. Beautiful. I love the tune. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. You sang it really well. बहुत खूबसूरत और फारसी का भक भी अदा कर रही थी, जिस तरह से फारसी बोली जानी चाहिए. वरना हमारे यहाँ फारसी को उर्दू की तरह बोला जाता है, तो वो जबान को जबान की तरह से अगर अदा किया जाए तो खूबसूरत लगती. That was really nice. That was really really nice. आप लोगों को कैसा लग रहा है साहब, आपको कैसी लगी? I know कि आपको म्यूजिक बहुत पसंद है. बहुत अच्छा लगा. और वाकई शी इज राइट कि ऐसी आवाज़ और ऐसा म्यूजिक और चीज़ें सुन के ना आदमी बहुत रिलैक्स फील करता है और थोड़ी देर के लिए ना आउट ऑफ द वर्ल्ड अपनी दुनिया से निकल जाता है, जो आम दुनिया होती है ना जिसमें हम सुबह शाम काम कर रहे हैं, वही रूटीन मोनोटोनस एक लाइफ होती है. तो मेरा ख्याल है कि आई टोटली एग्री विद हर कि म्यूज़िक से जो है ना आप डॉक्टर का भी इलाज कर सकते हैं. चीज़ से कि वो रेडियो पर जो आपका टाइम गुजरता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें म्यूज़िक भी है, साउंड भी है, बिल्कुल, और बातें जो करते हैं ये माइक्रोफोन सामने, तो उसका अलग ही एक कहते हैं कि आई थिंक शायद एक तो ये वजह है. दूसरी वजह जो है मेरा जो कनेक्ट है ना जो लोगों के साथ इंटरेक्शन डायरेक्ट, वो बड़ा डिफरेंट है रेडियो पे. इट्स नॉट कि टीवी अच्छा नहीं है, टीवी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, बट रेडियो पर जो मेरा कनेक्ट है ना वो बड़ा बड़ा डिफरेंट है. उसका लेवल बहुत दूसरा है. वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन की है और ह्यूमेन होने की है, तो वो आपको वहीं से मिलती है. वो आपको टेलीविजन से या फिल्म से या किसी और जॉनरा से नहीं मिल सकती. बड़ा स्पॉन्टेनियस होता है, बड़ा जेन्युइन, और एकदम क्योंकि आप डायरेक्ट हो रहे होते हैं ना लोगों से. टीवी पे जो सारा प्रिपेयर करके आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो जो कॉर्ड्स जो होती है ना वो खुद ब खुद, क्योंकि देखिए आपके पास और कुछ नहीं होता रेडियो पे, सिर्फ एक आवाज़ होती है. उस आवाज़ के जरिए आप किसी इंसान को जाके उसको नॉक करते हैं, उसको कहते हैं लिसन टू मी, एंड देन व्हेन दे ओपन द डोर्स देन यू आर देयर. फिर उसके बाद आपको वो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रेडियो के ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं. मुझे याद है, अभी डिप्रेशन की बात चल रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उस वक्त 103 पे काम करता था. यहाँ उनका ऑफिस था शारा फैसल का. रात 10 बजे से 12 बजे का शो होता था. अब तो मैं समा के लिए करता हूँ काम, तो कोई 12:15 बजे के करीब एक कॉल आई मुझे, और उन्होंने कहा कि जी आपको हमारे पास आना है. और मुझे एक जगह का एड्रेस बताया कि वहाँ, एंड देयर इज़ दिस गर्ल और she wants to commit suicide and she wants to see you. I said, hey, why? Khair, hum log gaye, wahan par pahunche. Wo ek issue tha unka, internal issue tha. It was a grave issue, bahut. I sat there, wo ladki darwaze ki us taraf thi, main is taraf tha. And she kept talking to me, sahib, bhai ye, sahib. And she was crying like mad. Bhai ye, bhai wo, bhai aisa, bhai. It was like 5:00 in the morning. Jab finally she came out. And she hugged me and she cried like crazy. Bhai, I want to die. I said, no. This is not the solution. The death is never the solution. If you die, that's an escape. You're escaping your problems. No, let's face it. Let's stand with me. Let's face it. We'll find the solution. And alhamdulillah, alhamdulillah, she lives in New York now. With 3 kids, mashallah. Mashallah, mashallah. And I'm so glad that I was there. So radio gives this to you. Television bhi bahut kuch karta hai. Television ne bhi aisa bahut kuch diya. But I think radio ka jo connect hai, wo bada ek dusra connect. Uska you find, I think I find my own healing in radio. I don't think, agar main radio nahi karta na, main aapko sach bata raha hu, main Pakistan mein nahi rehta. Main chala jata.
the kind of problems I've faced, the controversies that I've faced, the kind of... I'm a very quiet person, I don't reply back to anyone. I think it was because of radio that I stayed in this. Because itna kuch sunne ke baad main raat ko radio pe jata tha aur radio pe baith ke apna khud ilaaj kar raha tha aahista phir aadat ho gayi uski. I think it's because of radio that I stayed in this, and because I'm really glad. A voice is itself sound. Sound ke through aap affirmations bhi de rahe hain, of course, guide bhi kar rahe hain. Sabse zyada affirmations to aap apne aap ko dete hain. Exactly. मैं ये कर सकता हूँ, मैं रोज ये करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ. और एक अलग ही satisfaction मिलती है जब आप लोगों से interact करते हैं और फिर उनके problems सुनते हैं. और फिर आप समझते हैं कि मैं इसको tackle कर सकता हूँ. Pin point आपको पता होता है कि किस तरह से इसको. अच्छा जी, जब जैसे आप चले गए और आपने heal कर दिया. I don't know, मैंने heal किया नहीं किया, but I think it was, I never take credit for anything because I don't think it's mine. It's God's credit. God chooses you. और वो आपको बता देता है, जैसे डॉक्टर साहब के लिए उन्होंने चूज़ किया कि जी आप गायनी में होंगी, आपके लिए चूज़ किया ऑर्थोपेडिक्स, आपके लिए चूज़ किया म्यूजिक थेरेप्यूटिक म्यूजिक, आपके लिए भी वही चूज़ किया. पिंकी के लिए तो कुछ ना कुछ चूज़ किया ही है. हाँ, चूज़ किया. एमी के लिए ड्रामा चूज़ किया, डॉक्टर साहब के लिए अगेन मेडिसिन रिसर्च ऑफकोर्स. तो मेरे लिए आगे से यही चूज़ किया है. तो छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इन सब से एक एक टिप लेनी है आपका डिप्रेशन दूर करने के लिए, वो क्या होगी अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद. ड्रामा सीरियल खुशबू का सफर. अब तक की कहानी में तलाल एक खुशहाल घराने का आला तालीम याफ्ता, जिम्मेदार और डिसेंट शख्स है. उसका अपना बिजनेस है, वो हर एतबार से वेल एस्टेब्लिश है. वालदैन इसकी शादी के लिए बेचैन हैं, मगर वो हमेशा ये कहकर टाल देता है कि जिस दिन उसे उसकी पसंद की लड़की मिल गई वो हाँ कर देगा. वालदैन इसकी शादी अपनी फैमिली फ्रेंड की बेटी फरहीन से करना चाहते हैं. फरहीन भी तलाल को बहुत पसंद करती है. वो इसकी खुर्बत की खातिर बाप से सिफारिश करवा के तलाल के ऑफिस में काम करने लगती है. तलाल फरहीन को बहैसियत फैमिली फ्रेंड ट्रीट करता है. इसी दौरान तलाल के ऑफिस में एक नई लड़की रीबा ज्वाइन करती है. रीबा एक बहुत जहीन, क्रिएटिव और सुलझी हुई खुददार लड़की है जो जरूरतन नौकरी कर रही है. रीबा की जहानत, मेहनत और काम से कमिटमेंट तलाल की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेती है. आइए देखते हैं आज की किस्म में कहानी क्या रुख इख्तियार करती है. क्या सोच रहे हो आजकल? कल रात की बात है ना, और इजहार अब हो रहा है. कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है. मैं उसे शादी नहीं कर सकता. शादी इंसान को मुकम्मल कर देती है. एक बेटी के बाप होने के नाते मैंने बात करने में पहल की. शहजाद चचा पे किसी ने कातिलाना हमला किया, उस हमले में उनका इंतकाल हो गया. झोंका हवा का ये क्या कह गया है, है आहट किसी की या दिल ने सुना है. फजा में ये मस्ती क्यों छाई है, मन अंगना जैसे बहार आई है. खुशबू का सफर है, खुश
चुपके से ऐसे मन में समाया, प्यार की तपिश से दिल में एक शोला जगाया, मोहब्बत नहीं है अब वो मेरी जिंदगी है, हर सांस मेरी अब तो उसी से बैक। और डॉग साहब को बहुत शिकायत है मुझसे कि मैं उनसे शुरू करता हूं, तो आपसे बिल्कुल नहीं शुरू कर रहा मैं। अब मैं अफशीन की तरफ जाता हूं। अफशीन, कोई एक टिप डिप्रेशन दूर करने की? ओके, जो मैं सोच के आई थी, ऑब्वियसली हम लोग इतनी मज़े की बातें हो रही थी तो उस तरफ जा नहीं सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उसको इन डेप्थ जाएंगे उसके ऊपर। एक छोटी सी टिप मैं आपको एक एक्सरसाइज बताना चाहूँगी उन लोगों को जो अपने करियर या फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक मेडिटेशन है कि आपने आँखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, इनहेल एक्सहेल 2-3 दफ़ा, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग पे आना है। उसके बाद आंखें बंद करके आपने इमेजिन करना है कि एक आप सड़क पे खड़े हैं या एक रास्ते पे, और सामने एक एरो का निशान बना हुआ है, उसके एक साइड पे आप खड़े हैं, और आंखें बंद करके आप देखते हैं कि एक शेडो नज़र आ रहा है आपको, फिर वो शेडो आहिस्ता आहिस्ता करीब आएगा आपके, आपको ये मेडिटेशन करनी है। वो शेडो जब करीब आ जाता है तो आप उसे देखते हैं कि वो आप ही हैं, लेकिन आपकी वो फ्यूचर फॉर्म जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं कि मैं फिज़िकली इस तरह नज़र आऊं, मेरा स्टाइल ऐसा हो, फाइनेंशली मैं इस तरह हूं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं उस फॉर्म में उसे देखें, उसका स्टाइल कैसा होगा, बोलने का, बात करने का, उसकी क्या क्या चीज़ें उसकी सेम उस में आप देखें, और उसके बाद आप उसको अपने अंदर जज्ब कर लें, लाइक कन्वर्ट हो जाएँ उसके अंदर, और फिर अपने आप को प्रैक्टिस करें उसी तरीके से बोलने की, सोचने की, दुनिया को उस तरह देखने की, स्माइल करने की। इट्स एन एक्सरसाइज, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, डेली आप अगर 10 मिनट भी कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे तो इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। बट इट वर्क्स। ओके, ऑलराइट डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से खुद बात करें सबसे पहले तो आप, और ये आपकी जंग है, आप ये समझ लें, ये आपकी जंग है, आप ही को लड़नी है, आप ही को फेस करना है, आप ही को इसका इलाज करना है। लोग मिलेंगे आपको, डॉक्टर भी मिलेंगे, फैमिली भी कहते हैं, ग्रुप थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, मेडिसन्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ उस हाल में वर्क करेंगी जब आप अपने डिप्रेशन को खुद शिकस्त देना चाहेंगे। और अगर आप खुद तैयार नहीं हैं, अगर आप अपनी दवाएं भी खा लें, दोस्तों से भी मिल लें सब, लेकिन इफ़ यू कीप ऑन रिपीटिंग योरसेल्फ कि नहीं मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं हूँ, या ये ऐसा, ये तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा उस दलदल से, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और इसके लिए हो सकता है कि आप शुरू में नाकाम भी हो, लेकिन कीप ट्राइंग। पीपल आपको हेल्प कर सकते हैं लेकिन आपका हल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब देखिए, ताहिर एक तो वही वाली चीज़ है जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा ना कि जब कभी आप डिप्रेशन बिल्कुल उसी तरह एक बीमारी है जैसे डेंगू एक बीमारी है या कैंसर एक बीमारी है, इसी तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है, तो उसको एज आप बीमारी ट्रीट कीजिए, जैसे बाकी बीमारियों का आप इलाज कराने जाते हैं वैसे आप डिप्रेशन का भी, जब अगर आपको लगे आप डिप्रेस्ड हैं, आस्क, हेल्प ढूंढिए, मैं हेल्प मांगिए, ठीक है, आपको कह देना, लाइक हर शख्स जो है किसी न किसी स्टेज पे किसी न किसी वजह से डिप्रेस्ड होता है, ठीक है, हमें से किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, कुछ डिप्रेशन से बेहतर टैकल करते हैं, कुछ उस तरह नहीं उसको टैकल कर पाते, तो जाइए हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल लोग अवेलेबल हैं हेल्प देने के लिए, उनसे हेल्प लीजिए, बात कीजिए, अपने दोस्त ढूंढिए, जैसे आपने कहा ना कि आप रेडियो के ऊपर ही अवेलेबल थे, आप
यू वर नो वन, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, कोई नहीं था, है ना. पर तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्ट्रेंज लोग हैं वो भी आपको, तो आप एक साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए. प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं जो सीक्रेसी के साथ, खामोशी के साथ आपका इलाज करेंगे. आप उसको नहीं पब्लिक करना चाहते, नहीं करेंगे, उनसे बात कीजिए. अगर वो कहते हैं कि आपको दवा की ज़रूरत है तो वो दवा लीजिए. जैसे अभी पिक्की ने भी मुझसे सवाल किया था ना कि दवा लेने का मकसद क्या, ये होता है कि हम उसके आदी हो जाते हैं फिर हम उसके बगैर. तो एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, लोग समझते हैं कि दवा ले ली तो बस अब उसके बगैर नहीं रह पाएंगे. ऐसा नहीं होता, ठीक है. आपके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है, केमिकल्स आगे पीछे हो गए, ठीक है. ज़िंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब ना, तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं जो चल रहे हैं, जिन्हें एक ख़ास प्रोपोर्शन में होना चाहिए. कभी एक चीज़ बढ़ गई, कभी दूसरी चीज़ कम हो गई. उन्हें वापस में बैलेंस में लाने के लिए क्या किया जा सकता है कि जी बाहर से हम दवाएं दे दें. वो दवाएं जाकर के उन न्यूरो ट्रांसमीटर्स को बैलेंस करेंगी, आप बेहतर फील करेंगे, आप अपनी बीमारी को बेहतर टैकल कर सकते हैं, ठीक है. जो नेगेटिव थाट्स आती हैं वो कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे. जैसे अभी डॉक्टर रेहाना ने कहा, अल्टीमेटली आपको खुद फाइट करना है, ठीक है ना. तो आपका इनपुट होना है ना, आपकी बैटल है. लेकिन आपकी उस बैटल में ना ज़रूरी नहीं है कि सारी जंगें आप अकेले लड़ें, आपको उसमें हेल्प चाहिए होती है. एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सीक हेल्प, ठीक है ना. आपके इनके लोग होंगे, ठीक है. लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, फेलियर होते हैं, ठीक है. मैं हमेशा कहती हूँ जब तक सब अच्छा अच्छा चल रहा है, खैर है, सभी अच्छा होता है. लेकिन आपका कैरेक्टर कब डिफाइन होता है, जब आप कोई फेलियर या कोई ऐसी चीज़ फेस करें जो आप नहीं फेस करना चाहते. जैसे आपका जो फेयर है ना, आपने वो फेस किया, आप गिरे, उसके बाद आप कैसे उठते हैं वो एक्चुअल आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है. वो एक्चुअली बताता है कि आप क्या हैं, कितना सब्सटेंस है आपने, ठीक है ना. तो गो एंड आस्क फॉर हेल्प. बहुत सिंपल सी दो बातें करूँगा. डिप्रेशन जो है बेसिकली इसका एक रीज़न क्या है ये देखना पड़ता है. आपको जितनी अच्छाई और खुशी और भलाई पहुँचती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, और जो आपको बुराई या तकलीफ़ पहुँच रही होती है उसमें 99% आपका अपना कसूर हो सकता है. तो पहले तो ये चेक करें कि ये डिप्रेशन की वजह है क्या, लोग हैं, आप खुद हैं, आपने क्या उनको तकलीफ़ें दी हैं जिसकी वजह से आपको हो रहा है. और एक बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि मजबूर वो नहीं होता, मतलब मजबूर वो नहीं होता जो मजबूर बना हुआ है. तो आप चेक करें कि आप डिप्रेशन में, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, तो मेक श्योर कि आप बने हुए या वाकई में हैं. अगर वाकई में हैं तो फिर एक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जाएँ उसकी ट्रीटमेंट कराएं. बहुत सारी ब्रांचेज हैं उसकी, एंगर मैनेजमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें. आप अपने अपनी गलतियों को पहले देखना होगा कि जिसकी वजह से ये नौयत पे पहुंच रहे हैं, तो मजबूर बने हुए हैं या मजबूर हैं वाकई में, ये देखना होगा. हाँ, पिंकी. एक्सपर्ट्स ने जो बस कहा है वही, मैं तो कोई एडवाइस नहीं दे सकती डिप्रेशन के लिए. एमी. वेल, जब मैं डिप्रेशन में होती हूँ तो मैं छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ. मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और मैं कितनी ही थकी हुई हूँ, कितनी ही टायर्ड हूँ, मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, मैं बहुत लाइट हो जाती हूँ. मुझे पता नहीं क्यों वो जो उनका उठना गिरना और उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो मुझे बहुत कुछ सिखा रहा होता है और बहुत लाइट कर रहा होता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना. मुझे लगता है कि कोई भी इंसान वो बच्चों में जब जाके बैठता है ना, तो उससे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत हल्की नज़र आती है. वो बहुत मुनाफ़त से पाक होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं. वो आपको बता देते हैं, उनको बुरा लगा तो वो मुंह पे बताते हैं और खड़े हो जाते हैं. तो मैं आई स्पेंड माय टाइम विद किड्स. डॉक्टर साहब, मेरी आखिरी बारी है तो मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम ले सकता हूँ. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं दो तीन बातें इकट्ठी करना चाहता हूँ. आई थिंक जो क्यूमुलेटिवली ऑलरेडी कह दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है. मैडम ने एक बात की कि वो केमिकल्स की कुछ डिसरेगुलेशन है जिसकी वजह से हो रहा है. आई मीन 27 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस रिपोर्ट कर दिए गए इंसानों के बारे में. तो मैडम की जो बात है ना कि पहले अपने आप से बात करें, अपने आप को समझें. तो ये जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये डिफरेंट तरह के इमोशंस इंसान की बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स की रेगुलेशन से हो रहे हैं, जब वो समझ जाएगा तो फिर उसको मैनेजमेंट के बारे में भी सोच सकता है. आप चीज़ों को सर्कल में देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में ऐसी हैं कि जिनको आप बदल सकते हैं, तो उसके अगले सर्कल में देखेंगे कौन सी ऐसी हैं जिनको नहीं बदल सकते. तो जिनको नहीं बदल सकते उनके लिए कोई स्ट्रेस लेना तो कोई पॉइंट ही नहीं. जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं उनके बारे में कुछ सोचा जा सकता है. मैडम ने एक इंपॉर्टेंट बात की कि बहुत दफ़ा फेलियर की वजह से लोग किसी डिप्रेशन में या डिप्रेसिव सिम्टम में चले जाते हैं. मेरे ख्याल में इस पॉइंट पे आके इंसान को अपनी तमाम बेस्ट एफर्ट्स करनी चाहिए, जो हार्ड वर्क वो कर सकता है वो कर देना चाहिए, और उसके बाद सारे मामलों को अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, इस यकीन के साथ कि वो इंसानों की मेहनत ज़ाया नहीं करता है. वो यकीनन इसका रिवॉर्ड यहाँ नहीं तो किसी दूसरी फॉर्म में ज़रूर दे देते हैं. एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी कि हमेशा ये जो मैंने सीखा है कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस. एब्सोल्युटली. तो अगर ये आप अपने आप को इस बात पे कन्विंस कर लें कि मैं गिरा हूँ, किसी भी चीज़ में आप फेल हुए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, ये याद रखें. इब्न इंशा
मेरे बहुत फेवरेट शायर रहे हैं और उनकी तहरीरें मैं बहुत पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। उनकी एक नज़्म है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आपने जो मिसरा पढ़ा था, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। हम सब यहाँ बातें कर रहे हैं डिप्रेशन के नाम। एक बात याद रखिएगा, इफ़ यू नॉट डेड नथिंग वेंट रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। मैंने कहीं लिखा था कि डाइंग फॉर अ बिलीफ इज़ ग्रेट बट एन अनडाइंग बिलीफ इज़ ग्रेटनेस, सो स्ट्राइव फॉर दैट। इंशा लिखता है कि अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उदार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो देवनहार बने। कुछ साल महीने दिन लोगों पर सूद ब्याज के बिन लोगों, हाँ अपनी जाँ के ख़जाने से, हाँ उम्र के तोशा खाने से। जब नाम उधार का आया है तो सबने सर को झुकाया है, कुछ काम हमें निपटाने हैं जिन्हें जानने वाले जाने हैं, कुछ प्यार दुलार के धंधे हैं, कुछ जग के दूसरे फंदे हैं। हम मांगते नहीं हज़ार बरस, दो चार बरस, दस पाँच बरस, छिन जाएँ तो लगें हज़ार बरस। हाँ सूद ब्याज भी दे लेंगे, हाँ और खराज भी दे लेंगे, पर कोई तो साहूकार बने, पर कोई तो देवनहार बने। डोंट डाई बिफोर योर डेथ, जस्ट रिमेम्बर दैट। मुझे नहीं पता तुम्हारी इक्वेशन क्या है, तुम किस यूनिवर्स में बात करते हो, तुम्हारी नाकामी क्या है, तुम्हारी कामयाबी क्या है, आई डोंट नो। बट आई नो वन थिंग, इफ यू आर लिविंग, नथिंग वेंट रॉन्ग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। बिलीव इन दैट, बिलीव इन दैट, प्लीज बिलीव इन दैट। पिंकी सॉन्ग यार, सॉन्ग सुना दे तू। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता होता कभी कभी, तुम ज़्यादा काम कर लोगे, पाँच मिनट कुछ छीन नहीं जाएगा तुमसे, इट्स ओके। हाँ कोई भी की दम दा भरोसा क्यों नहीं गा सकती, गाए ना। हाँ नॉन डिप्रेस मोड पे खत्म करें, ये तो बहुत डिप्रेसिव गाना। हाँ जी पिंकी, तुम्हारा माइक बंद है। पिंकी सामने देख चिड़िया, वो कुछ भी गा दे, जल्दी गा दे, हम सब खुद। वो कह रहे ना एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है भाई, लाया लाया गा दे। लाया लाया वे लाया 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 लाया